चक्षुरोन्मीतमेनतस्मैश्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चकृपाशम्भुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यदयालप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवशाति शिवगौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तक सिखा भक्ति वेदांत राशि गुरु गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंचा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग समस्त रूपानुभव गुरुपाद पूज्य पाद कृष्णदास प्रभु समय समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णववृंद वैष्णववृंद भक्तवृंद समस्त चरणों में अरंग स्वीकार। गतकल हमने गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। गोकुल में बड़े सुंदर नंद उत्सव होते हैं और ठाकुर जी जब 6 दिन के थे तब पूतना का वध किया। पूतना उद्धार लीला कथा हम कल श्रवण कर रहे थे और बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जैसे ही ठाकुर जी 3 महीने के हो गए तब सकटासुर को भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। एक सकट से भरे हुए असुर कंस के द्वारा प्रेरित ही था और कृष्ण को मारने के लिए सकट के नीचे कृष्ण को दबाने की कोशिश कर रहा था और कृष्ण अपने चरणों का बल यहाँ दिखा रहे। पहले तो अपने होठ का बल दिखा करके पूतना उद्धार लीला किया और दूसरे में अपने चरणों का बल दिखा रहे। तब इसके पश्चात श्री वसुदेव महाराज जी इनके ही पुत्र है कृष्ण, क्योंकि यद्यपि देखा बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए मथुरा में और प्रकट होके फिर वसुदेव महाराज द्वारा गोकुल में आए। तो वसुदेव महाराज जी का जो कुल पुरोहित ये गर्गाचार्य ये जदुवंश का पुरोहित है तो इन त्रिकालदर्शी और स्वयं शिव जी के शिष्य हैं और वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं। तो इनके पास कुल पुरोहित के पास जाके ये वसुदेव महाराज बोलते हैं कि मेरे लाला का आप क्या करो, कृपा करके गोकुल में जाके गुप्त रूप में नामकरण कर दो। तो शास्त्र में विधि है कि 10वां दिन 11 दिन 12 दिन और 100 दिन में ये नामकरण किया जाता है। कोई नवजात शिशु का नामकरण किया जाता है तो उसी प्रकार ये ठाकुर जी का जब 100 दिन हो गया जन्म लेके यानी 3 महीने 10 दिन हो गया तब ये नामकरण लीला वहाँ पे करने के लिए श्री वसुदेव महाराज के द्वारा प्रार्थना करने के बाद श्री गर्गाचार्य 100वां दिन श्री गोकुल में जाते हैं। और जैसे ही गोकुल में जाते हैं इनका उद्देश्य क्या है कि भगवान का नामकरण करने के लिए। अब जैसे गोकुल में गए अब नंद बाबा यशोमती मैया गर्गाचार्य को देख के प्रणाम किए। नंद बाबा ने उनको आसन दिया, स्वागत जारी किया, पाद्य अर्घ्य दिया, पुष्प माला दिया और बड़े स्तुति किए कि महत विचलनाम नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। कि हे प्रभु आप जैसे महाभागवत महत लोगों का केवल एक ही मात्र कार्य है कि आप जैसे महाभागवत हम जैसे गृहस्थ के घर में एक ही काम के लिए आते हो क्या ना, हम जैसे गृहस्थ दीनहीन को ऊपर कृपा करने के लिए ही आप विचरण करते हो और इस जगत में हमको कृपा करने के लिए आए हो। तो बड़े वहाँ पे स्तुति करते हैं नंद बाबा, प्रणाम आदि करते हैं और बोलते हैं कि आप अभी इस शुभ अवसर में आए हैं और आज तक हमारे मेरे 2 पुत्र कृष्ण और बलराम यानी 2 पुत्र का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए आप क्या करो ना नामकरण संस्कार कर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये गर्गाचार्य तो इनके पुरोहित भी नहीं है, ये तो यदुवंश के पुरोहित हैं। फिर यहाँ पे नंद बाबा ने पहले से ही उनको प्रणस्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि ब्राह्मणाम सर्वत्रम गुरु, कि ब्राह्मण सब क्षत्रियों का सब कुल का गुरु होते हैं, उसी दृष्टिकोण से आप क्या करो ना मेरे पुत्र का नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य ने श्री नंद बाबा को बोले कि देखो गर्गाचार्य इस समय जिस दिन से जो कंस के जो कंकाली देवी अष्टभुजा रूप धारण करके जो जोग माया देवी ने देवकी के गर्भ में
प्रकट होते हुए जैसे कंस ने ये योग माया देवी को प्रहार करना शुरू किया, वध करने में उद्यत हुआ, उसी समय योग माया देवी कहा कि तुम्हें मारने वाला वे मूढ़ कंस अन्यत्र जन्म हो चुका है। तब कंस क्या कर रहा है, तब से उसका चैन नहीं है, हर समय बस कहां उपुत्र जन्म हुआ है उसको केवल मारने के चक्कर में जा रहा है। और उसको अगर जैसे तैसे करके पता चल गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और नंद बाबा और वसुदेव महाराज जी का मित्रता बहुत घनिष्ठ है, और इसी दृष्टिकोण से उसको पता चलेगा कि मैं यदुवंश का पुरोहित अगर तुम्हारे पुत्र का नामकरण करने के लिए आया हूँ, तब वो क्या करेगा, तुम्हारे पुत्र को ऊपर विपत्ति आ सकता है, इसीलिए तुम क्या करो, इसको गुप्त रूप में कोई उत्सव मत करो। ब्रज में कृष्ण करवट भी लेते हैं तो उत्सव होता है, ब्रज में कृष्ण हंसते भी उत्सव होता है, ब्रज में कृष्ण कुछ भी करते हैं तो ब्रजवासी उत्सव करते हैं, उत्सव के लिए वो हर समय बस बहाना ढूंढते रहते हैं। तो नंद बाबा बोले ठीक है अगर मेरे पुत्र के ऊपर, मेरे लाला के ऊपर अगर विपत्ति होगा तो मैं क्या करूँगा, उत्सव नहीं करूंगा। तो इसमें एक प्रश्न उठ रहा है, गर्गाचार्य जैसे महामुनि उनको कंस का डर है क्या? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं उनको कंस का डर नहीं है, तो वास्तव में फिर उन्होंने कंस का डर क्यों दिखाया नंद बाबा को? तो बोल रहे हैं कि उन्होंने इसलिए डर दिखाया क्योंकि नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं, किनका, जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है कृष्ण और बलराम का। तो नामकरण करते करते ये कौन है ना त्रिकाल दर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सब चीज बताएंगे, और नामकरण करते करते अगर कुछ ऐसे बात बता देंगे जिसमें कृष्ण का गुण ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, लेकिन ऐश्वर्य तो प्रकट हो जाएगा, और नंद बाबा यशोमती माया ये परम वात्सल्यमय प्रेम है इनके हृदय में, ये प्रेम होने के कारण वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई अगर अन्य लोग और अन्य ब्राह्मण और अन्य कोई ऋषि मुनि वहाँ पे उपस्थित होंगे और ताकि उसको समालोचना करेंगे, और समालोचना करते ही उनको पहले से पता चल जाएगा कि कृष्ण कौन है, ये साक्षात परम ब्रह्म परात्म भगवान है। तो इसी कारण वजह से उन्होंने बोला कि मैं गुप्त रूप में ही करूँगा। अब गर्गाचार्य ने के आदेश के अनुसार नंद बाबा ने यशोमती मैया को बोला, देखो आज लाला का नामकरण है, तो तुम लाला को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके दो लाला को आप दोनों मैया लेके गौशाला में आ जाओ। और इधर गर्गाचार्य गौशाला में बैठे हैं, अब उस तरफ ये यशोमती मैया सोच रही है, सुना है ये गर्गाचार्य ना बड़े त्रिकालदर्शी है, तो परीक्षा लेने के लिए ये रोहिणी माता को बोल रही है कि देखो अगर वो त्रिकालदर्शी होंगे तो हमारे दो पुत्र को पहचान लेंगे, तो एक काम करो रोहिणी माता, आप क्या करो ना कृष्ण को पकड़ो और मुझे बल दाव को दे दो, मैं दाव को पकड़ता हूँ और देखा जाए तो ये कितना ज्योतिषी है, देखा तो जाए ये कितना त्रिकालदर्शी है, अगर होंगे तो पहचान जाएंगे। तो वैसे ही किया और कृष्ण को पकड़े थे रोहिणी माता ने, और यशोमती मैया ने श्री बलदाव जी को, बड़े भैया को पकड़े, और पकड़ करके बड़े सुंदर सुसज्जित कर दिया, चंदन अक्षत आदि माला प्रदान करके कृष्ण को अपने गोद में लेके आके नामकरण के लिए उपस्थित हो गए। अब नामकरण करते करते गर्गाचार्य ने सबसे पहले तो भगवान का उस स्वरूप को दर्शन किया, और दर्शन करके यद्यपि गर्गाचार्य यहाँ पे पुरोहित है, फिर भी है तो भक्त ही है, उनको सब चीज पता है कि ये कौन है, साक्षात भगवान है। पुरोहित का काम उन्होंने इसीलिए किया कि कभी उनको नामकरण का शुभ अवसर प्राप्त हो, भगवान का सेवा का अवसर प्राप्त हो। वशिष्ठ जी ने भी पुरोहित का कार्य इसलिए किया कि उनको पहले से ही ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि तुम्हें राम जी के, तुम्हारे कुल में राम जी और भगवान स्वयं आएंगे, इसीलिए तुम्हें सेवा का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए वो पुरोहित का कार्य किए। तो इसी प्रकार यहाँ पे गर्गाचार्य भी उनको मन ही मन ध्यान कर रहे हैं। अब नामकरण करते करते एक दूसरे को यशोमती मैया और रोहिणी मैया देख रही है, अब तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले गर्गाचार्य ने आंख बंद किया, और आंख बंद करके जो बलदेव प्रभु का जो नामकरण करते करते जो सबसे पहले विधि है बड़े भाई का हिस्सा, तो बड़े भाई का नामकरण पहले करेंगे। तो इसीलिए गर्गाचार्य ने आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि कौन है देखने के लिए, तो देख रहे हैं, अयं हि रोहिणी पुत्रं रमयन् सुहृदो गुणे आख्यायति राम इति बलाधिक्यं बलहरिदु। अयं हि रोहिणी पुत्रं,
कि हे यशोदा, आपके जो गोद में है ये कौन है? ये रोहिणी पुत्र है। इसको देख के यशोमती मैया रोहिणी को देख के बोले, हंस के बोले, देखो देखो ये सचमुच ये त्रिकालदर्शी है, नहीं तो इनको कैसे पता चला? ये निश्चित रूप में ही त्रिकालदर्शी है। तो यशोमती मैया बहुत सारे सवाल अपने मन में जागृत कर लिया कि मेरे लाला को ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, वो होगा कि बाद में पूरा पूछते जाऊंगा। तो उनकी इच्छा है तो पहले तो नामकरण तो होने दो, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारे प्रश्न करूंगा। मैया का एक हृदय में भाव होता है कि मेरे लाला किस प्रकार सुख शांति में रहेगा, लाला को क्या क्या बाद में कोई ग्रह दोष कहीं अरिष्ट कुछ ना बिगाड़ दे, इसलिए मैया सोच रहे हैं कि मैं सारे के सारे बात आज ही पूछ डालूंगा, क्योंकि ये पता चल गया, प्रमाणित हो गया त्रिकालदर्शी है। तो गर्गाचार्य सबसे पहले ये दाऊ भैया का नामकरण करते हुए बोल रहे हैं कि अयम ये रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और इनका नाम जो है ना क्या ना रमयते, सबके हृदय में ये रमण करने वाला, इसलिए इनका एक नाम है राम। और बलादिक्यं बलविदो, ये शारीरिक बल में अत्याधिक बलवान होंगे, इसके लिए इनके लिए इनका नाम है बलराम। दूसरे अर्थ तथा संकर्षण जथा, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो संकर्षण यानी दो दो कुल है, दो कुल कौन सा ना, यदुकुल और नंद बाबा की कुल, किसी कारणवशत अगर यदुकुल में वसुदेव महाराज जी के और नंद बाबा के अगर कभी भविष्य में अगर किसी कारणवशत अगर झगड़ा हो जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे अपने आप को, दोनों को दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इनका नाम संकर्षण होगा। तो वास्तव में जो संकर्षण नाम है उसको यहाँ पे गुप्त रूप में बता रहे हैं। वास्तव में संकर्षण नाम क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने रोहिणी माता के गर्भ में, देव की माता के गर्भ से संकर्षित हो गए, योग माया देवी के द्वारा संकर्षित हो गए, रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया था योग माया देवी ने, संकर्षित होने के कारण इनका एक नाम संकर्षण भी है। शास्त्र में इनका और भी दो नाम है, बोल रहे हैं कि चित शक्ति का ये अधिष्ठात्र देवता है, जिनसे चतुर्व्यूह सृष्टि होता है, अधिष्ठात्र देवता होने के कारण इनका नाम है बलदेव। और भद्रेण नियति इति यथाह, भद्र में भद्रता इनके अंदर समाहित है, इनका एक नाम बलभद्र भी होगा। और तो इसी प्रकार दाऊ भैया का नामकरण किया, बोलो बलदेव दाऊ की जय। फिर अब बारी आया कृष्ण का नामकरण करने के लिए। अब कृष्ण का जैसे ही नामकरण कर रहे हैं, इन्होंने आग बन किया, आग बन करके गर्गाचार्य ध्यान करने लगे हैं। कृष्ण का तो अनंत कोटि नाम है, बहुत सारा नाम है, कौन सा नाम दिया जाए? तो वहां पे आंख बंद करके गर्गाचार्य ध्यान करने लगे हैं कौन सा नाम दिया जाए। तब बहुत समय हो गया, जैसे ही आंख नहीं खुल रहे, ये सुनती मैया बोला क्या मेरे लाला का कोई नाम नहीं होगा क्या? दाऊ जी का तो छट करके नाम दे दिया और मेरे लाला को नाम ही नहीं दे रहे, का भयो है? तो नंद बाबा ने बोले, ये सुनती मैया के बेचैनी को देख के नंद बाबा ने वहां पे प्रणाम करके पूछते हैं, प्रभु कृपया मेरे लाला का नामकरण कर दीजिए। तब वहां पे गर्गाचार्य ने बोलने हैं, बहुनि शन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनि शन्ति नामानि, इनका बहुत सारा नाम है, गुण कर्म गुण और कर्म के द्वारा इनका बहुत सारा नाम है, और इस प्रकार का नाम है कि तान्यो वेदं ना जना, वेद में भी जिनका नाम का वेद भी नहीं जानते, इस प्रकार का भगवान का अनंत नाम है। गुण के द्वारा इनका नाम है, कर्म के द्वारा नाम है, लीलाओं के द्वारा इनका नाम है, इसी प्रकार इनका बहुत सारा नाम है। और बता रहे हैं कि आसन वर्णस्त्रयो हि जस्य गृणते अनुयुगम तनु तनु। तुम्हारे ये पुत्र युग युग में आते हैं, सत्ययुग में, द्वापर युग में और कलियुग में, और इस समय त्रेता युग में, कलियुग में और इस समय द्वापर युग में भी आए हैं। सत्ययुग में ये शुक्र वर्ण रूप धारण करके आते हैं और द्वापर युग में ये रक्त वर्ण रूप धारण करके आते हैं, और पीत वर्ण यानी गोरे सुंदर स्वरूप में ये कलिकाल में आते हैं, और इदानी कृष्ण दांगता,
इस युग में द्वापर युग में ये कृष्णवर्ण रूप धारण करके आए हैं, इनके इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण हुआ। अब इसमें नंद बाबा सोचने लगे कि गर्गाचार्य तो अपने विधि से बता दिया कि ये चारों युग में आते हैं, अब नंद बाबा क्या सोच रहे हैं। नंद बाबा सोच रहे हैं शायद जो ये मेरे लाला ना हर युग में क्या करते हैं ना, हर युग में ये आते हैं, लेकिन युगों का जो युगावतार है उनको शायद मेरे लाला ना कभी कभी भजन करता होगा। सत्ययुग में भजन करते करते ये सत्ययुगावतार जो है, सत्ययुग का जो युगावतार है उनका जो स्वरूप है शुक्ल वर्ण, शायद उस युग में वो गोरे शुक्ल वर्ण होकर आए होंगे। और त्रेता युग का जो युगावतार है शायद उनको भजन करते करते मेरे लाला शायद वहाँ विरक्त वर्ण रूप में आया होगा, और शायद कली युग में मेरे लाला पीत वर्ण रूप में आया होगा। और मुझे तो लग रहा है हमारे जो इष्ट कौन ना नारायण, और नारायण का वर्ण भी कृष्ण ही है, श्याम वर्ण है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे ये लाला ना किसी युग में बहुत सेवा किया होगा। ये वात्सल्य प्रेम है ना, वात्सल्य प्रेम क्या है, वात्सल्य प्रेम इतना मात्रा में है कि कृष्ण को जो भगवत्ता है उसमें छुप जाता है, कृष्ण का जो भगवत्ता है उसमें पूर्ण रूप में छुप जाता है। तो बता रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि मेरे ये लाला नारायण का शायद उपासना करते करते नारायण का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, शायद अभी कृष्ण वर्ण के रूप में आया होगा। तो उसके पश्चात फिर गर्गाचार्य बोलते हैं प्रागयं वासुदेवस्य कोचित् जाता तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। प्रागयं वासुदेवस्य कोचित् जाता तवाग्रज, कि ये कभी कभी वसुदेव महाराज जी के घर में जन्म हुआ करता होगा, इसीलिए वसुदेव महाराज जी के कभी कभी जन्म हुआ करता होगा, इसलिए वसुदेव महाराज जी के नाम से इसका एक नाम वासुदेव भी हुआ। तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रमाण दे रहे कि नंद तब आत्मज कि कृष्ण तो तुम्हारे ही पुत्र है, ये कभी कभी वसुदेव के यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं किसी किसी कल्प में। तो यहाँ पे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं नंद बाबा, सोच रहे हैं कि हो सकता है ये किसी ना किसी कल्प में वसुदेव के यहाँ पे जन्म हुआ करते होंगे, और वास्तव में ये मूल तो वसुदेव का ही पुत्र होंगे, और ये कभी अभी इस समय मेरे यहाँ पे मेरे पुत्र के रूप में यहाँ पे अवतीर्ण हुए हैं, जन्म ग्रहण किया है। फिर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं वहाँ पे गर्गाचार्य के वहाँ पे फिर और एक श्लोक में नामकरण करते हुए बोलते हैं कि तस्मानंदात्मजान अयोत अयंते नारायण शमो गुणे श्रिया कीर्ते नुभावेन गोपेश समान। कि तुम्हारा है नंद, तुम्हारे ये पुत्र नारायण समो गुणे, कभी कभी नारायण का इनमें कुछ गुण भी इनमें कृष्ण में आएगा। और श्रिया कीर्ते नुभावेन अपने श्री और जस के द्वारा ये बड़े प्रसिद्ध लाभ करेंगे। तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि लग रहा है नारायण समगुण मतलब क्या, कृष्ण समस्त अवतार के मूल हैं, अवतारी हैं। एते जानते कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान सन इंद्रियारी व्याकुलम लोके मुढ़यन्ति युगे युगे। नारायण तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, नारायण तो बोल रहे हैं कि उनके ऐसे ही नारायण सृष्टि होते हैं, नारायण उनसे से ही प्रकट होते हैं। तो बोल रहे हैं कि गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि नारायण का जो कुछ कुछ गुण ना कृष्ण ही प्रदान करते हैं, नारायण को अपने कुछ कुछ गुण प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे नंद बाबा उल्टा सोच रहे, लग रहा है नारायण का ना कुछ कुछ गुण मेरे पुत्र में होगा, मेरे पुत्र में होगा। जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया, अब गिरिराज धारण करते करते सात दिन के छोटे सात दिन तक गिरिराज धारण किया, सात साल के बच्चे और बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुष्ठ के नखाग्र पे ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया। अब सब गोपाल जितने भी ब्रजांगना थे और जितने भी वहाँ पे गोपाल थे गोप के जितने भी वहाँ पे सब लोग ब्रज के सब लोग बोलने लगे अरे तुम्हारे कृष्ण तो शायद कोई अद्भुत शक्ति है, तो चमत्कार हो गया, इतने छोटे बच्चा गिरिराज कैसे धारण कर सकता है, ये तो परम अद्भुत बात है। तब वहाँ पे परम अद्भुत बात है, तो जैसे ही गिरिराज जी को धारण करके कृष्ण आते हैं सब लोग बोलते हैं अरे ये तो स्वयं भगवान है, ये भगवान है। तब नंद बाबा बोलते हैं ये कौन सा भगवान है,
आप लोग गिरिराज धारण करके धारण कैसे कैसे कर लिया होगा, लेकिन भगवान होता तो आप नहीं जानते कि घर में आता है क्या करता है, पता है? बात बात में झूठ बोलता है ये, बात बात में बताओ कोई भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान तो परम सत्य है, ये तो बात बात में झूठ बोलता है। और तो और ये माखन मिश्री चोरी करता है, बताओ चोरी करता है कि नहीं? हाँ चोरी तो करता है। अब बताओ भगवान चोरी करते हैं? भगवान चोरी करते हैं क्या? नहीं। अब बताओ ये क्या करता है घर में? रोटी अगर थोड़ी अगर मैया ने इसको नहीं दिया माखन मिश्री, तो इसको इतना क्रोध आता है मटकी फोड़ देता है, इतना क्रोध आता है तो रोने लगता है। अब बताओ भगवान रोते हैं कि? सुने हो? अरे ऐसा बात तो ब्रज को सब वहां पे पूछने लगे। तो बताओ नंद बाबा, तुम्हारे ये छोटे से लड़के ने किस प्रकार गिरिराज को धारण किया? अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो। जिस समय गर्गाचार्य इसका नामकरण कर रहे थे ना, तब उस समय बोले थे नारायणम समो गुणे, यानी नारायण का कुछ कुछ गुण मेरे पुत्र में होगा। तो देखो गर्गाचार्य के बाद कभी झूठ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ब्रज के जो प्रेम है, उसी प्रेम में कृष्ण पूर्ण रूप में वसीभूत होते हैं। जैसे बता रहे हैं कि नंद बाबा और यशोमती मैया का जिस प्रकार कृष्ण से प्रेम है, और कृष्ण और नंद बाबा यशोमती मैया का जिस प्रकार से प्रेम है, बता रहे कृष्ण से प्रेम के भी कई गुना ज्यादा और अधिकतर, और अधिकतर नहीं होगा तो वसीभूत कैसे होंगे? तो बोल रहे हैं कि उससे भी अधिक प्रेम है। ये कौन? नंद बाबा यशोमती मैया का जो प्रेम है, उससे भी अधिक प्रेम है। और उसी प्रेम में कृष्ण क्या करते हैं ना, पूर्ण रूप में वसीभूत हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐश्वर्य लीला दिखाया, पूतना पद दिखाया और पूतना उद्धार लीला दिखाया, सकटासुर द्रोणावर्त अगा बगा और काल्य दर्शन, इतने सारे ऐश्वर्य लीला दिखाया, फिर भी ऐश्वर्य लीला देखने के बाद भी इतने मात्रा में ब्रज में माधुर्य है, इतने मात्रा में मधुरता है, इतने मात्रा में कृष्ण से भी ज्यादा ब्रजवासी प्रेम करते हैं, उसी प्रेम के पूर्ण रूप में कृष्ण वसीभूत हो जाते हैं। इसलिए जितना ऐश्वर्य दिखाने पर भी वहां पे कृष्ण को कोई भी भगवान नहीं मानता, अपने भगवान वहां पे छुप जाता है। उसी प्रकार अब आगे आगे अगर कथा आएगा तो उसमें जिस समय कृष्ण को स्तनपान करवा रहे थे, तो यशोमती मैया ने उनको एक हाथ से पकड़ करके नीचे बिठा दिया, 10,000 पूतना के बल वो छुड़ाने की कोशिश किया, तो पूतना के बल को ठाकुर जी ने उसको स्तन को नहीं छोड़ा और उसका प्राण को सोच लिया। कल हम उस बात में प्रभु जी बता रहे थे, 10,000 हाथी का बल था, लेकिन यशोमती मैया ने इतने बल ही नहीं, एक क्या कि कृष्ण को नीचे बिठा दिया पकड़ कर। तो बता रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम के भी ये ब्रज गोपियों का, जो सखाओं का, जो सखियों का, जो गोपियों का, जो वात्सल्य प्रेम नंद बाबा यशोमती मैया का, ये सबसे उनसे भी अधिक प्रेम है, इसलिए कृष्ण पूर्ण रूप में वसीभूत है। और दूसरे अर्थ में गुरुदेव बोलते हैं श्रिया कीर्तेनो भावना, श्रिया यानी यहाँ पे श्रीमती राधा रानी, और कीर्तिदा यानी यहाँ पे श्री कीर्तिदा सुंदरी, उनके भाव से, श्री राधा रानी के भाव से यहाँ पे कृष्ण विशेष रूप में विभावित होंगे। इसीलिए इस प्रकार का गर्गाचार्य ने उनका नामकरण किया। लेकिन कृष्ण का तो बहुत सारा नाम है, बोल रहे हैं ये गिरिराज धारण करेंगे, इंद्र गौ माता के द्वारा इनका अभिषेक होगा, इंद्र के द्वारा अभिषेक होगा, इसलिए इनका एक नाम इंद्र होगा, गोविंद होगा, मधुसूदन होगा, इस प्रकार बहुत सारा नाम है। फिर भी बहुत सारा नाम होने के बाद भी जो मधुर से मधुर नाम हो क्या है ना, केवल कृष्ण नाम ही मधुर है। और इसी प्रकार गर्गाचार्य ने बिना कारण, मतलब बिना ही उत्सव से वहां पे बैठ के भगवान का नामकरण कर दिया। अब नंद बाबा का तो इच्छा था, नंद बाबा का क्या इच्छा था कि दान दे, बड़े सुंदर सुंदर रूप में दान दिया जाए, गाय को दान दिया जाए, वस्त्र आभूषण दान दिया जाए, उत्सव किया जाए, और उत्सव हो नहीं पाया। अब नंद बाबा यशोमती मैया, ये यशोमती मैया अपने मन में सोच रहे कि बताओ मेरे लाला का शादी होगा कि नहीं, तो जरा बताओ। अब नामकरण लीला में ही पूछ रहे हैं कि बाबा आप तो त्रिकालदर्शी है, बताइयो मेरे लाला का कितने शादी होगा, कितना शादी होगा। तब वहां पे गर्गाचार्य बोलते हैं कि बहुत सारे शादी होगा, तुम्हारे लाला का बहुत सारा शादी होगा। और हुआ भी, 16,108 रानी द्वारिका में उनके साथ सब पटरानी बने। तो उसी प्रकार नंद यशोमती मैया इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, और वहां पे गाय दान देते हैं, गाय मन ही मन गो आभूषण आदि दान देते हैं। और गर्गाचार्य ने उनको आदेश दिया कि और कुछ दिन के पश्चात, ये जो लीला है सकटासुर लीला शास्त्र में 81 दिन में हुआ था, और उसके 19 दिन के बाद ये नामकरण लीला हुआ, और उसके कुछ
एक कुछ एक महीने के पश्चात ही भगवान का अन्न प्राशन हुआ तो उसमें फिर उत्सव किया जाता है। इसी प्रकार भगवान का नामकरण हुआ। बोलो कृष्ण बलराम की जय। मेरी करुणा सरिता मिला दो कृपा
बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वांछा कल्पद्रुभश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार कृष्ण ने जब 6 दिन के बालक थे उसी समय पर पूतना को मार दिया। उसी के बाद में 3 महीने पर शकटासुर आया, 1 वर्ष में तृणावत। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को कृष्ण की बड़ी ऐश्वर्यमयी लीलाएं दिखा रहे थे जिसके अंदर कृष्ण की भगवत्ता के कुछ इंगित पता चलता है। अभी सुखदेव गोस्वामी के मन में विचार आया क्यों ना मैं कृष्ण की कोई माधुर्य लीला वर्णन करूं। तब वह कृष्ण की ये मृदु भक्षण लीला का वर्णन करते हैं, किस प्रकार कृष्ण ने मिट्टी खाई। कहते हैं एक समय कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे और बच्चे जिस प्रकार मिट्टी से खेलते हैं ना, मिट्टी को थोड़ा गीला करके उसके अंदर पैर फंसाते हैं, पैर के ऊपर मिट्टी डाल के और उसका घर बनाते हैं। तो सुदाम मधुमंगल स्तोभ कृष्ण सभी सखाओं ने क्या किया, बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए, पैर के अंदर पैर के ऊपर मिट्टी डाली, उसको बाहर निकाल के घर जैसा बन गया, उसे पुष्पों से मयूर पंख से सजा के बहुत सुंदर सुंदर 3-3, 4-4 घर सभी सखाओं ने बना दिए। कृष्ण लेकिन जब चेष्टा कर रहे थे कृष्ण एक भी घर नहीं बना पा रहे हैं। जैसे ही पैर फंसाते हैं मिट्टी जमाई, पैर निकालते ही घर धस गया। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुदादि विभूति भिन्नम। अरे जिनकी छटा मात्र से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, उन कृष्ण को आज एक मिट्टी का घर बनाने में असुविधा हो रही है। कृष्ण क्रोधित होकर क्या किया, सखाओं के पास में गए, बोले मधुमंगल तू मेरा एक घर बना दे। मधुमंगल कहने लगा मैं क्यों बनाऊ, मैं अपने घर बनाऊंगा, तुम्हारी मैं सहायता क्यों करूं। किसी और सखा से कहा, उसने भी मना कर दिया। तो कृष्ण ने क्रोधित होकर सभी सखाओं के घर को तोड़ दिया, सारे घर को तोड़ के और वहीं पर मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। जैसे ही कृष्ण मिट्टी खा रहे थे सखाओं ने मना किया, बोले कन्हैया मिट्टी मत खाओ पेट खराब हो जाएगा। कन्हैया ने किसी की सुनी नहीं। बलराम ने मना किया, गाँव भैया की बात भी नहीं मानी। सभी ने जाकर क्या किया, मैया यशोदा को शिकायत कर दी। बोले मैया जानती हो क्या हुआ है, बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारा कन्हैया मिट्टी खा रहा है। जैसे ही मैया यशोदा ने ये बात सुनी वो तो दौड़ी दौड़ी हाथ में छड़ी लेके भागती भागती आई है ब्रह्मांड घाट पे, और कृष्ण को देखते ही एक हाथ से तो कृष्ण का कान पकड़ा, दूसरे हाथ से छड़ी दिखाते हुए पूछती है क्यों रे चोर चोट्टे, क्या हमारे घर में माखन मिश्री की कमी थी जो आज तूने मिट्टी खाना चालू कर दिया है। अभी कृष्ण ने जैसे ही मैया के हाथ में छड़ी देखी है भयभीत हो गए। जिनके नाम ग्रहण करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है, निर्भय हो जाता है, भगवान आज मैया के भय से भयभीत होके और झूठ बोल रहे हैं। हम सुन रहे थे ना, जब कृष्ण यशोदा माँ के गर्भ में आए देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, सत्यम व्रतम त्रिसत्य परम त्रिसत्य सत्यश्च योनि निहितमश्च सत्य। जिनकी सत्य सत्य जो सत्य संकल्प है साक्षात वो सत्य वो भगवान आज मैया के डर से झूठ कहने लगे। क्या कहते हैं, नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंशिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम्। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम्। बोले मैया नाहं भक्षितवानंब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तूने मिट्टी नहीं खाई? हाँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर विश्वास नहीं हो तो मुंह खोल कर देख लो।
कृष्ण मनीमन विचार कर रहे हैं कि भैया कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता हूँ कि खाई है तो मुंह से खाई होगी ना, मुंह खोल के देख ले तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलूंगा यदि तो माँ मान लेगी। मैया कहने लगी कि फिर सखा लोग क्यों कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। बोले भैया जानते हो आज क्या हुआ है, ये सखा लोग सब अपने घर से लड्डू मालपुआ सब चोरी कर करके लाए थे और तुझे पता है मैं तो कोई चोरी की वस्तु खाता नहीं। कृष्ण ने तब तक माखन चोरी करना चालू कर दिया था, पूरे ब्रज में चोरों के नाम पे उनकी ख्याति थी। मैया कहने लगी हाँ मुझे सब पता है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ तू क्या खाता है क्या नहीं खाता। कृष्ण कहने लगे मैया मैं चोरी की वस्तु नहीं खाता, ये लोग अपने घर से जो लड्डू मालपुआ लाए थे मैंने खाए नहीं, तो इन्होंने क्या किया मुझे पिटवाने के चक्कर में पहले इससे पहले कि मैं कुछ कहूं इन्होंने मेरे नाम पे जाके शिकायत कर दी और तू तो इनकी बातों में आ गई। मैया कहने लगे चलो सखा तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन दाऊ भैया ने क्यों झूठ बोला। बोले मैया ये दाऊ भैया ना दिखने में बाहर से गोरा है लेकिन अंदर से बहुत कारो है, तू जानती नहीं ये भी मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। यहाँ टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं कि दाऊ भैया ने क्यों झूठ बोल दिया, दाऊ भैया तो हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए, बलदेव कल हम श्रवण कर रहे थे बलदेव प्रभु का अवतार कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा कृष्ण का पक्ष लेते हैं, आज दाऊ भैया ने क्यों झूठ बोला। तब टीकाकार लोग कहते हैं कि बलदेव प्रभु कृष्ण से क्रोधित हैं। क्यों क्रोधित हैं? बलदेव प्रभु मानो कह रहे हैं कि कृष्ण देखो तुम जब वामन रूप में आए थे पृथ्वी को मैं धारण करता हूँ, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को बलदेव प्रभु का ही एक प्रकाश है अनंत शेष, वो अनंत शेष अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। बलदेव प्रभु मानो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवता मैं हूं, तुम जब वामन रूप में आए थे तुमने दो पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया लेकिन तब भी मैंने कुछ नहीं कहा मैं शांत रहा। तुम जब वराह रूप में आए थे वराह रूप में भी तुमने क्या किया, इस पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण करके और धूरी पर स्थापन करी, तुम्हारे ही स्पर्श से इनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई, तो उस समय पर भी तुमने पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया यद्यपि अधिष्ठात्री देवता मैं हूं। अभी द्वापर युग में जब आए हो लड्डू खाते हो मेरे साथ में माखन खाते हो मेरे साथ में और आज मिट्टी ये ब्रज रज का आस्वादन कर रहे हो और वो भी मेरे बिना मुझे दिया ही नहीं, तो बलदेव प्रभु यहाँ क्रोधित होकर बलदेव प्रभु ने भी मैया से शिकायत कर दी। आज कृष्ण ने ये जो मिट्टी खाई है मानो कृष्ण स्वयं ही ब्रजरज की महिमा दिखाने चाहते हैं, कहते हैं ना राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, ब्रज में कीर्तन कहते हैं राधे तेरे चरणों के ब्रज धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ किस्मत ही बदल जाए। अरे ब्रज में आकर क्या रमण रेती लोटो नहीं कियो ना जमुना स्नान, अगर ब्रज में आकर तुमने रमण रेती में लोटपोट नहीं खाया यमुना में स्नान नहीं किया तो ब्रज की तत्व को क्या समझोगे। तो इसीलिए मानो कृष्ण ही यहाँ पर ब्रजरज की महिमा दिखाना चाह रहे हैं। उद्धव जी भी जब ब्रज में आए थे उन्होंने भी ब्रजरज की बड़ी महिमा गाई, आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतो औषधि नाम। उद्धव जी भी ब्रज की रज में कई लता कई औषधि कई वृक्ष रूप में बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी हम श्रवण करेंगे आगे, ब्रह्मा जी ने भी जब कृष्ण के सखाओं बछड़ों को चोरी किया वो भी ब्रज के पत्थर बनने की कामना करते हैं ताकि उनको भी ब्रजरज प्राप्त हो। तो इसलिए मानो कृष्ण आज स्वयं ही ब्रज की रेणु की महिमा दिखाना चाह रहे हैं। हमारे टीकाकार लोग ने अनेक अनेक भाव यहाँ पर उत्पन्न किए हैं, बताए हैं कि कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवानम हो, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। वल्लभाचार्य कहते हैं कि खाना किसे कहते हैं, जैसे मैंने कोई सेब खाया, सेब क्या था बाहर रखा हुआ था मैंने उसे खाया मेरे शरीर में चला गया। कृष्ण मानो यहाँ पर कह रहे हैं कोई वस्तु मुझसे पृथक हो तो उसको यदि मैं ग्रहण करूँ तो वो खाना हुआ। अब ये सारा विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही है तो इसलिए क्या खाना हुआ, ये सारा विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर पहले से ही विराजमान है मैया मैंने कुछ नहीं खाया इसलिए न अहम भक्षितवान मैंने नहीं खाया। दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं यदि ये संधि ना करे तो ना हम भक्षित, ना हम का अर्थ होता है विश्व ब्रह्मांड। कृष्ण मानो कहना चाह रहे हैं कि मैया तो ये मिट्टी की क्या बात कर रही है, सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे उदर में विराजमान है पहले से ही, कृष्ण यहाँ मिट्टी खा क्यों रहे हैं। कृष्ण ने जो मिट्टी ग्रहण करी है, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण किस प्रकार पूतना के स्तनों से विष पान किया, मानो कृष्ण यहाँ पर अपने मुख शुद्धि करना चाहते हैं, जहर पान करके मुंह का टेस्ट खराब हो गया तो क्या करते हैं ब्रजरज से अपने मुख शुद्धि कर रहे हैं, मुख को वापस पुनः पवित्र कर रहे हैं। और एक भाव यहाँ पर बतलाते हुए संत कहते हैं कि
कृष्ण इन दांत, ये जो हमारे दांत है, दांत का एक नाम है द्विज, क्योंकि द्विज मतलब जो दो बार जन्म ले। ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, पुनः वापस जब यज्ञ पवित्र इत्यादि संस्कार होते हैं उस समय पर ब्राह्मण का पुनर्जन्म बतलाते हैं। तो दांतों का भी एक नाम बतला है द्विज, क्योंकि बचपन में जैसे दूध के दांत होते हैं, बाद में फिर वापस नए दांत आते हैं। तो कृष्ण है कौन? कृष्ण है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण होता है। कृष्ण ने सदा ही ब्राह्मणों की सेवा करी है। मानो कृष्ण भी आज ये ब्रज रज के द्वारा इन दांतों की, इन द्विज की सेवा करने के लिए स्वयं मिट्टी खा रहे हैं। इस प्रकार अनेक अनेक कारण बताए हैं टीकाकार ने कि क्यों कृष्ण ने आज ये ब्रज रज खाई। कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे थे कि यदि मैं झूठ कह दूंगे तो मुख खोल के देख लो तो मैया मान जाएगी कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे, जैसे चोर चोरी छुपाने की कोशिश करता है ना, मैया ने कहा चलो मुख खोलो, तो कृष्ण ऐसे करते करते और धीरे 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 मिट्टी चबाते जा रहे हैं, घटकते जा रहे हैं, लेकिन मैया के सामने मुख नहीं खोल रहे। अभी मैया ने क्या किया, क्रोधित होकर जैसे एक धपक लगाई तो कृष्ण का तुरंत मुख खुल गया, और मुख खुलते ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण के छोटे से मुखारविंद के अंदर कितने विराट विराट पर्वत, झरने, कितने त्रिभुवन, सब कृष्ण को मुख के अंदर मैया देख रही है। और तो और गोकुल के अंदर जहां ब्रह्मांड घाट पे मैया कृष्ण के कान पकड़कर उसे शासन कर रही है, वो दृश्य भी मैया ने उस छोटे से मुख के अंदर देख लिया। ये देखने मात्र से ही तो मैया यशोदा बड़ी भयभीत हो गई, मनी मन इतना डर रही है, हे भगवान मेरे लाल को कोई आई बलाई तो नहीं लग गई, इसे कोई भूत तो नहीं लग गया, जब से जन्म हुआ है तभी से ही इसके ऊपर एक के बाद एक विपत्ति ही आती जा रही है, ऐसा मनी मन विचार कर रही थी। दूसरे पल विचार आया मैया को कि ब्रह्मांड तो भगवान के मुख में होता है, कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं। अभी सुन रहे थे ना, नारायण समगुण, गर्गाचार्य ने भी कहा था कि नारायण के गुण कुछ गुण इसमें प्रकाशित होंगे। जैसे ही मैया के मन में ये विचार आया कि कृष्ण भगवान है, अभी कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तब तो क्या करेगी, भगवान की तरह मेरे लिए एक घर बना देगी, सिंहासन में मुझे बिठाया, सुबह शाम दही बताशे का भोग लगाया, घंटी हिला के जय जगदीश हरे और पटबंद, मैं सखाओं के साथ में जो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, खेलना कूदना गौचारण करना, ये सब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अभी कृष्ण चाहते हैं कि मैया के हृदय से ये भगवत्ता का भाव चले जाए, पुनः उनकी शक्ति योग माया ने अरेंजमेंट कर दिया, योग माया ने वापस वह दृश्य अदृश्य कर दिया और मैया वापस देख रही है वही छोटा सा मुख, वही कृष्ण के मुख में कोई मिट्टी भी नहीं। तो यहाँ पर पार्थक्य दिखा रहे हैं, यहाँ पर बतला रहे हैं, देखो किस प्रकार मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम है। हम लोगों ने सुना है जब कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, उस समय पर कृष्ण ने अर्जुन को भी विराट स्वरूप दिखाया ना, विराट स्वरूप दिखाया जिसके अंदर सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता कृष्ण के उस विराट स्वरूप में। कृष्ण कह रहे हैं देखो मत्त परतरम अन्यत् नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, देखो अर्जुन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, जिसे तुम शिव कहते हो वो मेरे अंदर, जिसे तुम लक्ष्मी कहते हो वो मेरे अंदर, सारे देवी देवता सारे ब्रह्मांड मेरे इस विराट स्वरूप में तुम दर्शन करो। जैसे ही अर्जुन ने इस रूप का दर्शन किया था भयभीत हो गए, डर के और हाथ जोड़ के उनके चरणों में गिर गए, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, आप तो जगतपति जगन्नाथ हो, मैंने तो आपको सखा कह के संबोधित किया, मैं तो आपके गले में गले हाथ दे रहे थे और आपको आपके साथ में एक ही पलंग पर हम शयन करते थे, आपके साथ में मैंने भोजन किया, लेकिन आप तो विश्व ब्रह्मांड के मालिक हो, आप मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन का कृष्ण के प्रति जो सख्य भाव था वो पूर्ण रूप से शिथिल हो गया, वे भयभीत हो गए कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर। लेकिन मैया यशोदा ने जब कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड देखा तो वह भयभीत नहीं हुई, वो भयभीत हुई किस लिए, कृष्ण की भगवत्ता को देखकर नहीं, कृष्ण का किस प्रकार का माधुर्य है, कृष्ण को ब्रज में कोई भगवान मानता ही नहीं। मैया के मन में विचार है कि मेरा काना को कोई भूत तो नहीं लग गया, दोनों भयभीत है, लेकिन एक है कृष्ण को भगवान मानकर, दूसरी है कि मेरे लाला को कोई भूत पिशाच तो नहीं लग गया, कोई आई बलाई तो नहीं लग गई। मैया ने पुनः कृष्ण को वहां से लाकर और झाड़ा लगवाया है, गोबर गौमूत्र से स्नान करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा के पुनः तब जाकर उनका मन शांत हुआ।
श्री शुकदेव गोस्वामी पादिया कहते हैं कि नंद यशोदा इन दोनों का कितना बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं नंद किम अक्रोध राजन श्रेय एव महोदया यशोदा च महाभाग पपोदस्याम स्तनम हरि। ये नंद यशोदा ने न जाने पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या करी थी जिसके फल स्वरूप ये सच्चिदानंद कृष्ण उनके पुत्र बन गए हैं। नंद बाबा यदि कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण मेरे खड़ाव तो ले आओ, तो कृष्ण क्या करते हैं, बड़े कष्ट से पूरे खड़ाव को उठा नहीं पाते हाथों में, दोनों को सिर के ऊपर रख के और ठुमक ठुमक के नंद बाबा के पास लेकर आते हैं। वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक मैया यशोदा का स्तनपान करता है। पपो यस्याम स्तनम हरि कि नंद और यशोदा इन दोनों ने न जाने कौन सा सौभाग्य है, इन दोनों ने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा सत्कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आज कृष्ण उनके पुत्र बन के आए हैं। इसीलिए इस प्रकार की मधुर लीला श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करके और आगे हम श्री गुरुदेव और अन्य वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णदास प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
आनंद की जय जय भागवत कथा मृतम की जय जय कृष्णदास महाराज की जय 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 अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोग कल से भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रसंग में भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध भी किया, फिर अगासुर का वध हुआ। अगासुर एक अजगर बन करके आया था। जिस समय अगासुर का वध हो रहा था और उसके शरीर से जो ज्योति है वो निकल करके भगवान के चरणों में समा गई, तो सारे देवता लोग मिलकर के बड़े आनंद में शंख नगाड़े इत्यादि बजाने लगे। ब्रह्मा जी भी वो सब सुनकर के भगवान की लीलाओं के दर्शन के लोभ से यहाँ पर आ गए, आकाश में रह करके देख रहे थे। किंतु उनके मन में और भी कुछ इच्छा हुई कि भगवान की मैं कुछ और भी मधुर लीलाओं के दर्शन करूँ। इसलिए मधुर लीलाओं के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक कौतुक किया। जो भगवान, क्योंकि अगासुर वध हुआ था, जब दोपहर का समय हो गया था, सब भगवान के सब सखा लोग हैं भूखे थे बाल बाल, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग बैठ जाते हैं, भोजन करते हैं और बछड़ों को यहाँ पर चरने दो। बछड़े घास चरने लग गए और सखा लोग अपना भोजन करने लग गए सब मिल करके। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि जो बछड़े हैं वो थोड़ा दूर चले गए हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि बछड़ों को मैं चुरा लेता हूँ, देखता हूँ कृष्ण को पता चलेगा कि। अब ये जो कौतुक था ये लीला दर्शन करने के लिए उन्होंने किया था, किंतु हो गया था अपराध, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। जितने भी अवतार हैं भगवान के, उन अवतारों के भी मूल हैं। अगर उनकी कुछ लीला देखनी है तो प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को बड़ा विशेष सावधान रहना चाहिए। जो हमसे बड़े श्रेष्ठ वैष्णव हैं, गुरु वैष्णव, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया, फिर उसका फल भी उनको भोगना पड़ा। बछड़े उन्होंने छुपा दिए, एक गुफा में ले जा करके छुपा दिया। जब काफ़ी देर तक बछड़े दिखाई नहीं दिए तो उस सखाओं ने कहा कि कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं देते। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को देख करके लाता हूँ। और कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए चले गए। जब वहां पर बछड़ों को देखने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने इधर सखाओं को भी चुरा लिया, सखाओं को भी चुरा करके एक गुफा में सबको सुला दिया। अब कृष्ण लौट करके आए तो देखा सखा भी नहीं उधर, बछड़े भी नहीं मिले इधर, सखा भी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरी माया से मोहित हो गए, क्या हो गया। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कृष्ण बिल्कुल अभिनय ही ऐसा करते हैं। वो आए हैं, देखा तो बछड़े हैं नहीं, बालक भी नहीं है, तो रोने लग गए, जैसे नेत्रों में उनके आंसू आ गए और बड़े चिंता में पड़ गए कि मैं क्या करूं। इस प्रकार से कृष्ण
लीला कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को वहां पर थोड़ा उनको ऐश्वर्य भी दिखाना है और इसके अतिरिक्त तो भगवान ने ये लीला क्यों की, इसके पीछे भी एक मुख्य कारण था कि जो ब्रज की जो गोपियां हैं वात्सल्य माता वात्सल्य रस की जो माताएं हैं उनके मन में ये इच्छा होती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र होते तो हम उनको अपने बच्चों की तरह प्रेम करें। जो ब्रज की गायें हैं उनके मन में इच्छा होती है कि कृष्ण अगर हमारे बछड़े होते तो हम उनको अपने बछड़ों की तरह प्रेम करें। इस प्रकार से जो ब्रज की गायें हैं और जो माताएं हैं वात्सल्यवती उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने खुद लीला कर दी। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं लीला कर रहा हूँ लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। कैसे कि जो बछड़े थे और जो उनके सखा थे वो वहीं थे किंतु ब्रह्मा जी उनको देख भी नहीं पाए, भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उनको ढक दिया। और जो ब्रह्मा जी ने जैसे ही इच्छा करी कि मैं बछड़ों को चुरा लूं सखाओं को चुरा लूं, भगवान की इच्छा से भगवान की महामाया शक्ति ने ऐसे वैसे ही बिल्कुल सेम बछड़े और सखा बना दिया। ब्रह्मा जी ने उनको चुराया लेकिन ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैंने भगवान के सखाओं को चुरा लिया, ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं। इधर भगवान ने जो ब्रज की जो माताएं हैं और गौएं हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही बछड़े बन गए, खुद ही सखा बन गए। देखो भगवान की कल हम लोगों ने लीलाएं सुनी थी ना, कैसे बच्चे की तरह लीला करते हैं। किसी के घर में अगर मक्खन नहीं मिलता है तो वहां मलमूत्र त्याग करके चले जाते, उसको धमकी देकर के आते हैं अगर कि मक्खन नहीं मिला तो तुम्हारे घर में कल आकर के आग लगाते हैं, चोरी करते हैं, मटकी तोड़ते हैं। साधारण बालक भी तो ऐसे ही करते हैं किंतु साधारण बालक और भगवान में फिर क्या अंतर रहा, क्योंकि भगवान जो नर्वत लीला करते हैं उससे में भी उनका पूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान रहता है। जो भगवान कृष्ण हैं वो ब्रज में मूल हैं और सारे अवतार उनके ही प्रकाश हैं। कृष्ण है उनकी शक्ति भी अनंत है, अन्य अन्य किसी भी अवतार में ऐसी भी शक्ति नहीं देखी गई, ऐसा ऐश्वर्य भी नहीं देखा गया जैसा ब्रह्म मोहन लीला में है और उससे भी और उनकी बड़ी बड़ी लीला है। ब्रह्म मोहन लीला में देखो कैसा ऐश्वर्य भगवान ने प्रकाशित किया एक ही क्षण के अंदर। ब्रह्मा जी तो यहाँ पर बछड़ों को और सखाओं को चुरा करके चले गए, यहाँ पर कृष्ण ने जैसे देखा ब्रह्मा जी चले गए साथ ही साथ कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन किया और सारे सखा खुद ही बन गए, सारे बछड़े खुद ही बन गए। ये कोई साधारण बात नहीं है। देखो एक एक व्यक्ति का दूसरे दूसरे व्यक्ति के प्रति अलग अलग भाव होता है, जो चार पांच व्यक्ति हैं एक का दूसरे के प्रति उसका उसके प्रति माता के प्रति पिता के प्रति सबके एक एक भाव होते हैं अलग अलग, तो सारे भाव कृष्ण ने धारण कर लिए। वस्त्र होते हैं देखो हमारे सबके वस्त्र में कितने अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, अलंकार होते हैं। जो गायें हैं उनके कितने प्रकार के रंग होते हैं, बछड़ों के कितने प्रकार के रंग हैं, उनकी अपनी माता के प्रति कैसा भाव है, उनकी जो रस्सियां हैं उनकी घंटी है जो गले की वो सब कृष्ण बन गए। कभी हम सोच भी सकते हैं कि ऐश्वर्य प्रकाशित किया भगवान। और उस दिन जो बलदेव प्रभु थे वो गए नहीं थे तो फिर बलदेव प्रभु को ये पता ही नहीं चला। देखो भगवान की ऐसी शक्ति है कि उनके द्वितीय प्रकाश भगवान है बलदेव प्रभु, लेकिन उनको भी पता नहीं चला एक वर्ष तक कि कृष्ण ही बछड़े बने हुए हैं, कृष्ण ही सखा बने हुए। और वो भी प्रतिदिन आते हैं और जो वात्सल्यवती जो माताएं थी ब्रज की उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने ये लीला की। अब जो उनकी ब्रज की जो वात्सल्यवती माताएं हैं उनका जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति वो भी वैसा ही हो गया जैसे कृष्ण के प्रति था। पहले कृष्ण को अधिक प्रेम करती थी, अपने बच्चों को कम प्रेम करती थी, लेकिन जब से कृष्ण ही बच्चे बन गए उनके तब से वो माताएं भी अपने बच्चों को कृष्ण के बराबर ही प्रेम करती। इस प्रकार से एक वर्ष तक चलता रहा, बलदेव प्रभु को भी पता नहीं चला। एक दिन बलदेव प्रभु को भगवान ने सोचा, जब चार पांच दिन रह गए थे एक साल होने में, तब बलदेव प्रभु को भगवान ने सोचा कि लाओ अपने बड़े दाऊ भैया को तो बता ही दो कम से कम। तो भगवान ने थोड़ा थोड़ा अपनी शक्ति का जो माया है जो उनकी योग माया है उसको प्रकाश को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। बलदेव प्रभु ने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी, वो घटनाएं रोज होती है किंतु किसी का ध्यान नहीं जाता है। बलदेव प्रभु ने देखा कि ऊपर ग्वाल बाल है, नीचे बछड़े चल रहे हैं जिनको एक साल बड़े हो गए, अब तो एक साल पहले जिनका जन्म हुआ था तो बड़े हो गए और उतने दिनों में गाय ने नए बछड़े दे दिए।
तो गायें अपने नए बछड़ों को छोड़ करके जो पुराने बछड़े एक साल पुराने उनको ज्यादा प्रेम करती है और उनको प्रेम करने के लिए ऊपर से दौड़ करके आ गया। तो उनके जो बड़े बड़े ग्वाल बाल थे वो अपने बच्चों को डांटने के लिए आए कि तुम लोग अरे ये बछड़ों को दूर नहीं ले जा सकते, इसलिए नीचे आए तो देखा कि जैसे ही उनके पास में आए तो अपने बच्चों को भी प्रेम करने लग गए। कहाँ तो आए थे डांटने के लिए, पिटाई करने के लिए कि तुम लोग बछड़ों को दूर ले जाओ, गायों के पास क्यों लेकर के आए। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना हो रही है कि जो गायें हैं वो नए बच्चों को ज़्यादा प्रेम करती हैं, नए को छोड़ के पुरानों को प्रेम कर रही हैं। ग्वाल वाले जिनको पीटने के लिए आए, डांटने के लिए आए अपने बच्चों को, उनको आकर के जैसे ही उनके पास में उनको गोद में उठा के उनको ही प्रेम करने लगे। बलदेव प्रभु सोच रहे हो क्या रहा है, ये कैसी माया है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, सोचने लगे पहले तो किसी असुर की माया हो सकती है, कहते असुर की माया तो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। फिर किसकी माया हो सकती है, कि सृष्टि में तो मेरे ऊपर किसी की माया काम नहीं कर सकती। बलदेव प्रभु सोच, तो निश्चित रूप से कृष्ण की माया है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, जैसे ही ध्यान लगाया तो देखा कि सारे बछड़े और सारे सखा कृष्ण ही बने हुए। तो बलदेव प्रभु हंस रहे हैं कृष्ण को देख करके, मानो कहना चाहते हैं कि एक माता के स्तन पान करके तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए तुमने इतने सारे रूप धारण कर लिया। सारे ब्रज की जितनी भी माताएं हैं उनका वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हो अकेले, मुझे बताया भी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐश्वर्य प्रकाशित किया। अब इधर जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने लोक को लौट करके गए। लोक को जब लौट करके गए तो उनके द्वारपालों ने उनको रोक दिया, कहते कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कहाँ जा रहे हो, अरे मेरे चौकीदार होकर के मुझसे ही पूछते कहाँ जा रहे हो। कहते अरे मैं ब्रह्मा हूँ, देखते नहीं हो। तो जो चौकीदार थे वो कहने लगे अरे बहरूपिये हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मेरे द्वारपाल मुझको ही रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा तो भीतर बैठे हुए हैं, ये चक्कर क्या है। तो एकदम से ब्रह्मा जी को याद आया, ओ भगवान के चरणों में अपराध करके आया हूँ, लगता है मुझे भगवान ने ब्रह्मा लोक से ही निकाल दिया, मैं ब्रह्मा का पद गया। इसलिए ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करूँ, चलो कम से कम भीतर चल के क्षमा मांग लेता हूँ, तो नहीं तो और क्या दंड देगा ब्रह्मा, ब्रह्मा का पद तो चला ही गया, अभी और क्या दंड मिलेगा भगवान पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके ब्रह्मा जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो द्वारपाल गए भीतर के, हम पूछ करके आते पूछ करके आए तो वह भीतर में जो ब्रह्मा जी बैठे थे उन्होंने कहा ठीक है उसको बुला लाओ भीतर। तो उनको भीतर बुला करके ब्रह्मा जी को लाए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सिंहासन पर उनके जैसे ही ब्रह्मा बैठे हुए चतुर्मुख और उनके शरीर से कोटि सूर्य समक प्रभा करोड़ों सूर्य के समान कांति निकल रही है। ब्रह्मा जी तो निस्तेज हो गए, समझ गए ये भगवान, इसलिए वहीं पर साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा याचना की और सोचने लगे कि इससे पहले कि कुछ भगवान और दंड ना देते हैं मैं दौड़ करके जाता हूँ अपनी गलती सुधार के आता हूँ। तुरंत वहां से ले लौट करके आए, लौट करके आए तो यहाँ वहां तो ब्रह्मलोक में तो उनको आश्चर्य हुआ ही था, यहाँ पर आए तो उससे भी बड़ा आश्चर्य देखा उन्होंने। यहाँ क्या आश्चर्य देखा, उन्होंने पहले तो गुफा की ओर देखा, मैं जिन बछड़ों को और सखाओं को सुला करके गया था वो तो अभी तक सो रहे हैं। फिर जैसे ही कृष्ण की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां भी सखा और बछड़े, ये क्या हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि मैंने जो गुफा में छुपाया था वो जब मैं जब इधर देखता हूँ गुफा की तरफ तो भगवान अपनी शक्ति से उनको उधर ट्रांसफर कर देते, जब मैं उधर देखता हूँ तो उधर ट्रांसफर कर देते, ब्रह्मा जी सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने दो मुख को दो साइड में लगा दिया, फोकस कर दो साइड में लगा दिया तो देखा कि वो तो दोनों ही जगह विराजमान। अब तो ब्रह्मा जी बिल्कुल डर गए, कांपने लगे और सोचने लगे ये भगवान की कैसी माया है। और बस अपने हंस से उतरे और उतर करके अपने चारों मुखों को भगवान के चरणों में लगा दिया और चरणों में लगा करके प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया भगवान को, नौमी डिते अब्रपसे तडिलंबराय गुंजावतम सपरिपिचल सन्मुखाय वन्य सृजे कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रीये मधुपदे पशुपांग जाय। भगवान ने उसके बाद में उनको ब्रह्मा जी को ऐसा ऐश्वर्य प्रकाशित किया कि ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने सखा थे वो सब वासुदेव चतुर्भुज हो गए, जितने बछड़े थे वो सब वासुदेव चतुर्भुज हो गए,
उनके बताया जो रस्सी हैं, उनके कपड़े हैं, उनके सब कुछ वो वासुदेव चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। इतना सारा भगवान की ऐश्वर्य मूर्तियों को देख करके ब्रह्मा जी तो डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उनके स्वामी तो एक ही वासुदेव हैं और यहाँ तो इतने अनंत वासुदेव प्रकाशित कर दिए भगवान ने एक क्षण के अंदर। और फिर जब देखा कि ब्रह्मा जी तो बड़े भयभीत हो गए, डर रहे हैं, मेरे ऐश्वर्य को भी सहन नहीं कर पा रहे, तो भगवान ने एकदम से वो सारी मूर्तियों को फिर संवरण कर लिया। और फिर वही देखा कि कृष्ण चुपचाप खड़े हुए हैं, हाथ में वही वेणु है, और ऐसे सोच में बिल्कुल कृष्ण जैसे मासूम जैसे बने हुए हैं कि कुछ उनको पता ही नहीं है। इस प्रकार से 60 श्लोकों में स्तुतियां की भगवान की, तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में नौमी तिथि प्रभव से दिगंबराय, आपका जो श्री विग्रह है वो मेघ के समान है, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा है विद्युत के समान, और वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु, हाथ में कवल है, वेत्र है, विषाण है सिंगा, और वेणु है, लक्ष्मी श्री मृदुपदे, आप लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, और पशु पांग जाए, जो हम लोग अभी सुन रहे थे ना कि कृष्ण का जन्म नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में हुआ, उसका प्रमाण ब्रह्मा जी की स्तुति भी है। यहाँ पर कह रहे पशु पांग जाए, पशु अंग जाए, पशु माने जो पशुओं का पालन करने वाले, गौ पालन करने वाले नंद बाबा, उनके अंग जाए अर्थात उनके अंग से उत्पन्न होने वाले जो पुत्र होता है उसको कहते हैं अंग जाए। तो इस प्रकार से फिर स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने फिर बड़ा अपना पश्चाताप करते हुए कहा, ज्ञाने प्रयासम उदपास नमंत एव जीवंत सन्मुखरिताम भवदी वार्ता, कि प्रभु मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि मैं अपने ऐश्वर्य के द्वारा आपको जीतना चाहता था, अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा आपको जीतना चाहता था, मैं परीक्षा लेना चाहता था कि भगवान कैसी लीला करेंगे, देखूं तो जरा, ये मैंने बड़ी गलती की, लेकिन आपको जीतने का एक ही उपाय है। फिर ब्रह्मा जी कह रहे ज्ञाने प्रयासम उदपास, अपने ज्ञान बुद्धि बल जितनी शक्ति है उसको साइड में छोड़ दो, सारे अहंकारों को बिल्कुल साइड में छोड़ दो, और क्या करो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वांग मनु प्रायसो अजित जितो अपिस्त्रक्य, कि एक स्थान पर रह करके साधुओं के मुख से हरि कथा सुनो, भगवान की और भक्तों की सेवा करो, तन मन वचन के द्वारा जब उनको सेवा करोगे उससे क्या होगा, प्रायसो अजित, भगवान आप तीनों लोगों में अजीत नाम से विख्यात है, क्योंकि आपको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे जो कोई करेगा अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करेगा, उनके मुख से हरि कथा सुनेगा, तन मन वचन के द्वारा सेवा करेगा, उसके द्वारा आप भी जीत लिए जाते हैं, इसके अतिरिक्त आपको जीतने का और कोई उपाय नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने बताया जानंत एव जानंत किम भक्त्या न मे विभो मनसो भक्सो वाचो वैभवम तब गोचर, कि प्रभु इस जगत में बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, जो सोचते मैंने भगवान को जान लिया, भगवान को ही चैलेंज कर देते थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ के, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन मूर्खों को मैं क्या बताऊं, अरे मैं तो ब्रह्मा हूँ, ये सृष्टि मैंने ही करी है, ये जितने भी जीव हैं वो सब मैंने ही रचना करी है इनकी, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा आपको जब नहीं जान सका तो मैंने जिनको बनाया वो कैसे जान सका, इसलिए इनको कहने दो कि मैंने भगवान को जान लिया, लेकिन भगवान को जानने का और कोई उपाय नहीं है, केवल मात्र उनकी कृपा ही है। और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपां सुसमीचिमाणो भुंजान एवात्म कृतम विभाग हृदय वाघ बपुवे विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, कि हे प्रभु जो भी हमको सुख और दुख प्राप्त हो रहा है उन सबको आपकी कृपा समझ करके अपने तत्ते अनुकंपां सुसमीचिमाणो भुंजान एव आत्म कृतम विभाग, अर्थात भगवान किसी को क्यों कष्ट देंगे, भगवान का तो कोई शत्रु नहीं है, तो हमको ये कष्ट क्यों मिल रहा है, इसका मतलब हमने ही किया है ये पूर्व जन्म में, आत्मकृतम विपाकम, मैंने ये पाप किए है उस पाप का फल भगवान मुझे दे रहे हैं। इस प्रकार से जो समझ लेता है और सुसमीक्षा मांगो, सुसमीक्षा करता है, क्या समीक्षा करता है कि उसमें भगवान की कृपा को ही देखता है, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं किंतु समय तो कम है इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा, कि प्रत्येक कार्य में ही भगवान की कृपा को दर्शन करता है, जैसे महापुरुष लोग होते हैं वो सब समय उनको कोई कष्ट भी मिलता है तो भी उसमें भगवान की कृपा को दर्शन करते हैं।
इस प्रकार से भगवान की कृपा को दर्शन करने के बाद में और क्या करता है, हृदय वाग वहुभी विदधन नमस्ते, हृदय से वाणी से आपको प्रणाम करता है, आपको नमस्कार करता है, उसको आप फिर वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है, अर्थात उसको आप भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। लेकिन अन्य किसी को जो अपने ज्ञान से बुद्धि से विद्या से अपनी योग्यता से आपको प्राप्त करना चाहता है वो कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने इतने सारे श्लोक बताए, 60 श्लोक, बहुत लंबी स्तुति है, एक दिन में तो स्तुति भी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं भगवान की इतनी स्तुतियां कर रहा हूँ और भगवान ऐसे खड़े करके देखे जैसे कुछ जानते ही नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं चार मुंह वाला, ऐसे करके भगवान तो बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो सोच रहे ब्रह्मा जी अब इनको कैसे प्रसन्न करो, क्या उपाय है। तो उनके मन में याद आया, ओ ब्रजवासी इनको बड़े प्रिय हैं, इसलिए ब्रजवासियों का नाम लेता हूं। तब उन्होंने बताया, ईशान घोष निवास नाम हो तो किम देवराति नश्येतो विश्व फलात् फलम तदपरम पुत्रापि अयम् मुह्यति। कह रहे कि ये जो ब्रजवासी हैं, ये प्रभु आप इनको क्या प्रदान करोगे, इनको क्या फल दोगे, क्योंकि ये जितनी भी इस जगत में जितनी भी तपस्या है, कर्म है, जो सब कुछ भी है, उन सबका सार फल में आप स्वयं ही है, आप स्वयं ही इसका फल है। सबसे बड़ी जो भी कुछ किया भक्ति का भी फल भगवान ही है। कह रहे वो फल तो आपने ये पूतना भी सकुला देवा भी था, ये पूतना को भी अपने अपने आप को आपने दे दिया, ये पूतना तो राक्षसी थी, आपको मारने के लिए आई थी, जब उसको भी आपने अपने आप को दे दिया, तो ये ब्रजवासी जिन्होंने अपना तन मन प्राण सब कुछ आपको दे रखा है, तो इनको क्या दोगे, ये सोच करके मैं मोहित हो रहा हूँ। अर्थात क्या कहना चाहते ब्रह्मा जी कि इन ब्रजवासियों को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, इनके प्रेम का ऋण आप नहीं चुका सकते। फिर कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, कि अहो भाग्यम ये नंद बाबा यशोदा मैया का क्या भाग्य है, यन मित्रम ये सखा है इनके क्या भाग्य है इनका, यन मित्रम जिनके मित्र बने हुए हैं कौन, पूर्णम पर ब्रह्म सनातनम जो पूर्ण पर ब्रह्म है, जो सनातन है भगवान, वो इनके सखा बने हुए हैं, किसी के वात्सल्य के अधीन है। अहो अति धन्या ब्रज को रमण्यम स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा यासाम विभो वत्स तरा आत्मजातना यत् तृप्ते अध्यापन चालम। कह रहे हैं हे प्रभु, आपको सतयुग से प्रारंभ करके जब से सृष्टि हुई है तब से भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं, उसके बाद में प्रजापति लोग यज्ञ करते हैं, उसके बाद में देवता लोग यज्ञ करते हैं, उसके बाद में यहाँ ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं वो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक यज्ञ करते करते भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन वही भगवान अहो अति धन्या ब्रज गोरम, ये ब्रज की गाय धन्य है, ये ब्रज की वात्सल्यमती माताएं धन्य हैं, जिनके के स्तनपान कर करके आप तृप्त हो रहे हैं, जिनको कि कोई भी देवता और बताया ब्रह्मा तक भी बड़े बड़े यज्ञ करके भी जिन भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए, वो इन माताओं की और गायों के स्तनपान कर उनके बछड़े बने हुए अहो अति धन्य, ये धन्य है। इस प्रकार से जब ब्रजवासियों की थोड़ी महिमा गान की तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, बस ब्रह्मा जी ने कहा बस काम बन गया, क्योंकि और मैं कुछ नहीं कर सकता। 60 श्लोकों में स्तुति करके फिर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और भगवान ने भी कुछ इशारा नहीं किया, मैं खुश हूँ तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ नहीं बोले भगवान। तो अंत में ब्रह्मा जी ने सोच लिया मौनम स्वीकृति लक्षण, अर्थात भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया है, क्योंकि भगवान मौन है, मैं इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ बोलते नहीं है, स्वीकृति लक्षण, तो इसलिए मैं अब चला जाता हूँ और उनको प्रणाम करके फिर ब्रह्मा जी अपने लोग को वापस चले। इसी के साथ फल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक भजन गा ले, मैं पीछे पीछे दौड़ूंगी, तू भाग भागा ना कितना मैं तेरा पीछा ना ही छोड़ूंगी। अरे नैन जला के दिल में उड़ा के फंस गए हम बेकार में, कन्हैया
अंजन सला गया गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय वरिष्ठदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदत्तै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति परदेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृन्द सबके हाथ धरे बोलो बोलो हरे कृष्ण कोई बोल नहीं रहे हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बार आप लोग बोले मैं सुनूंगा बोलो हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथादिव्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्री गिरिराज की कथा श्रवण करेंगे। कहते हो गिरिराज गोवर्धन है, यदि ये कोई पहाड़ नहीं है, यदि ये गिरिराज गोवर्धन कौन कौन वृंदावन रहे हाथ उठाओ तो, और किसने किसने गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगाई और दर्शन किसने किसने किया बताओ, गिरिराज की किसने दर्शन किया हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठाए, क्या चक्कर है? अब बताओ कौन कौन जाना चाहते हो वृंदावन हाथ उठा। हाँ एक बार सबको ले जाएगा, ठीक है। इसलिए से जो गिरिराज गोवर्धन है यदि ये पहाड़ नहीं है, इसलिए ये गर्ग संहिता में इसकी कथा आती है। एक समय गोलोक वृंदावन में श्री श्याम कृष्ण राधा रानी से प्रश्न करती हैं, बोले देखो राधे ये मरते जगत में चलोगी? बोले मैं नहीं जाती हूं। बोले क्यों नहीं? बोले जहां पर ये गिरिराज नहीं, जहां पर यमुना बटराणी नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना नहीं, जहां पर निधुवन निकुंज वन नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहती। कृष्ण ने बोले देखो राधे मैं थोड़ी अकला जाऊंगा मरते जगत में, ये जो संपूर्ण गोलोक वृंदावन तुम देख रहे हो ये पूरा के पूरा मैं उतार लूंगा, मेरे साथ में मेरे पिता माता मेरे ग्वाल बाल भी चलेंगे, तेरे साथ में तेरे पिता माता ही ग्वाल बाल हमारी सखिया मंजरी ये सब के सब तुम्हारी साथ में चलेंगे, और ये गोलोक वृंदावन में जो कुछ देख रहे हो ये सब के सब तुम्हें मरते जगत में उतार लूंगा, चलोगे तो? राधा रानी बोली फिर मैं चलूंगा। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन जो पर्वत है ये कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से ही मरते जगत में उतरे। इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन है, कहते जब ठाकुर जी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम जब इकट्ठे होकर के जम जाती है, कहते ये श्री गिरिराज गोवर्धन है। जब राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर के ये पानी रूप धारण करती है, ये यमुना पटराणी है, ये पानी नहीं है, कदि ये ब्रह्म द्रव गात्रम, राधा कृष्ण का प्रेम ही पानी रूप में बह रही है। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन की अलग अलग कथा आती है, एक कथा आती है पुराण में, तो एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कठोर तपस्या करते हैं, बल्कि इसकी
बोले ठाकुर राधा कृष्ण की। जब राधा कृष्ण संतुष्ट हो गए बोले बताओ क्या चाहिए, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, बोले प्रभु आपकी चरण की हमें सेवा चाहिए। बोले किस रूप में हमारी चरण की सेवा चाहते हो, क्या मेरे ग्वाल बाल बनकर? बोले प्रभु नहीं नहीं, हमने इतने सौभाग्य नहीं किया तुम्हारी ब्रज में कोई ग्वाल बाल भी बन जाए। बोले बताओ क्या कोई पशु पक्षी रूप में? बोले नहीं नहीं, इतने सौभाग्य हमने नहीं की। बोले बताओ किस रूप में जन्म लेना चाहते हो? देखो जो ब्रज धाम जो वृंदावन धाम ये कोई साधारण धाम नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया जिनकी पूजा करती है, ब्रह्मा कहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते प्रभु अगर हम पहाड़ रूप में वहां जन्म ले जाए, अगर आप हमारे सर के ऊपर में मधुर मधुर लीला करें हमारी जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ये बरसाना रूप में ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट होगी, स्वयं भोले बाबा शंकर जी ये नंदीश्वर, नंदी का ईश्वर कौन है? श्री शंकर जी ये नंदीश्वर रूप में प्रकट होंगे, और स्वयं भगवान विष्णु ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट होंगे। इसलिए कोई पहाड़ नहीं, ये भगवान साक्षात भगवान श्री विष्णु है। एक बार गिरिराज की जयकार दो, बोले श्री गिरिराज महाराज की। कहते कि दूसरा स्वरूप क्या है? बोले ये भगवान ये कृष्ण स्वयं ही ये गिरिराज का रूप धारण किए हुए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीजें दिए थे। बोले एक तो गिरिराज शिला दिए, बोले रघुनाथ ये तुम्हें गिरिराज नहीं ये कृष्ण तुम्हें दे रहा हूं, ये जो गुंजा माला नहीं ये श्री राधा रानी। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन है कृष्ण तो एक स्वरूप में उन्होंने पूजा की और दूसरे स्वरूप में पूजा को ग्रहण करते हैं। इसलिए जिस समय कृष्ण ने गिरिराज की पूजा कर रहे थे इतने में स्वयं गिरिराज विशाल रूप लेकर प्रकट हो गए, सब के सब ब्रजवासी देख रहे थे एकदम जैसे आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। और गिरिराज स्वयं कहते देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। आज का दिन जो व्यक्ति ये गिरिराज की सेवा में, ये गिरिराज स्वयं कहते हैं एक अन्न की दाना अगर मेरी सेवा में किसी ने लगा दी तो किसी जीवन में भी उसकी घर में कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी, लक्ष्मी भरपूर रहेगी। अगर आप गिरिराज कभी जाओगे देखना 12 महीना वहां पर अन्न को भोग लगता है, देश विदेश से लोग आकर गिरिराज की पूजा करते। क्यों? गिरिराज में सेवा में एक अन्न की दाना अगर किसी ने लगा दी एक जीवन में नहीं कभी किसी जीवन में भी उसको अन्न वस्त्र कभी कभी नहीं रहेगी। जो जो गिरिराज गए देखे होंगे कोई कोई व्यक्ति तो दूध की धार की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप जतिपुरा जाओ, आप लोग मानस गंगा जाओ, आप दान घाटी में जाओ, इतने दूध दही की अभिषेक होती है नाली में बहते हुए जाकर तालाब बना हुआ है, इतने दूध दही में क्यों स्नान कराते? कारण है ये गिरिराज से जो कुछ मांग लो, गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी पीछे 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 चलते उसको पीछे पीछे, ये मेरे इतने कष्ट करके क्यों परिक्रमा लगा रहा है, क्या ये बेचारा मांगेगा? इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ उसी गिरिराज से प्रार्थना करो गिरिराज आपको वही दे देते हैं। इसलिए कल मैं बता रहा था ना जो गिरिराज गए देखे होंगे शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे होंगे, बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए अगर शिला के ऊपर में जितना शिला रख देना उसको उतना मंजिली ठाकुर जी मकान बना देते हैं। आप देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ रस्सी बंधा हुआ, क्यों? जिनकी नौकरी चाकरी लग नहीं रही, जिनको बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप हो गया जिनकी बिजनेस, घर की कोई धंधा नहीं चल रही है। आप देखना गिरिराज में जाकर सबके सब परिक्रमा करते हैं, जिनकी संतान नहीं हो रही, घर में कोई दुख कष्ट। इसलिए कहते गुरुदेव कहते थे ऐसे कोई चीज नहीं श्री गिरिराज गोवर्धन जिनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आप और हमारी इच्छा की बात छोड़ दो, गिरिराज कृष्ण की भी इच्छाओं को पूरी करने वाले की गिरिराज ये गोवर्धन है। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। इसलिए गुरु जी कहते हैं ये गिरिराज गोवर्धन तो ये सांसारिक वस्तु स्त्री पुत्र
परिवार धन दौलत इसको तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब गिरिराज से एक चीज मांगो ना, गिरिराज सोच में पड़ जाते हैं इसको दो कि नहीं कर। क्या चीज है? पहले जब इनकी भक्ति मांगो, इनकी सेवा और प्रेम मांगो ना, गिरिराज सोचने लगते हैं इसको दो कि नहीं दो। क्यों? बोले धन दौलत देकर के तो मैं तो छुटकारा मिल जाती है, लेकिन जब इसको मैं भक्ति और प्रेम देता हूँ ना, उसका बंधन में मेरे को बंधना मिलता है, उसका प्रेम में मेरे को वशीभूत होता है, मैं सबका प्रेम में वशीभूत नहीं होता हूँ। गुरुदेव कहते हैं ये प्रेम भी भक्ति भी सेवा भी ये गिरिराज गोवर्धन हमें प्रदान करते हैं। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा से गिरिराज गोवर्धन की, इसलिए इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन। बोले इनका नाम गिरिराज क्यों नाम पड़ा? गोवर्धन मतलब क्या है? बोले गिरी मतलब होता है पहाड़ पर्वत, राजा मतलब होता है जो जितने गिरियों में पर्वत में जो राजा है, बोले वो दो स्वरूप में राजा है, क्योंकि हर जो पर्वत का एक स्वरूप है, जैसे नंदीश्वर पर्वत स्वयं शंकर की अधिष्ठान देवता, श्री बरसाना स्वयं ब्रह्मा जी, अलग अलग पर्वत का एक अधिष्ठान हिमालय उसका भी कोई अधिष्ठान देवता, लेकिन गिरिराज के अधिष्ठान देवता कौन है? बोले भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान विष्णु स्वयं ये गिरिराज की अधिष्ठान देवता, इसलिए इनका नाम श्री गिरिराज, मतलब जितने गिरियों में ये राजा श्री गिरिराज गोवर्धन है। यह दूसरा अर्थ है कि जो गिरिराज गोवर्धन पहले इतनी ऊंचाई थी, लेकिन ये पुलस्त ऋषि की अभिशाप से वो धीरे 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 ये गिरिराज छोटा होते जा रहे हैं। इसलिए कथा आती है ये वृंदावन में ये गिरिराज गोवर्धन कैसे आए, पुराण में दो कथा आती है। जिस समय भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन से ये मर्त्य जगत में आए, एक तो गोलोक वृंदावन से मर्त्य जगत में आ गई, लेकिन जब गिरिराज गोवर्धन आए कैसे, कहते उन्होंने श्री धरा और द्रोण इनके बेटे बन करके सालमल द्वीप में यदि ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। जब गिरिराज प्रकट हुए समस्त देवता आकाश से पुष्पों की बौछार की और श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने जयकार लगाई, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। एक ऋषि थे जिनका नाम था श्री पुलस्त ऋषि। एक समय ये पुलस्त ऋषि ये द्रोण और इन धरा के घर में पहुंचे, तब द्रोण धरा ऋषि को बड़े स्वागत अभ्यर्थना करके अभ्यर्थना की। इतने में पुलस्त ऋषि बोले मेरे को एक चीज चाहिए। बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले आपका बेटे को मेरे को दे दो। अगर आपका घर में कोई आए एक ही बेटा हो, कोई ऋषि आकर के बोले तुम्हारे बेटे दे दो, आप बेटे को दोगे? बेटे दे दो, एक ही बेटा तुम्हारे दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन अभी उन्होंने बेटा मांग लिया, अभी तो द्रोण धरा बड़े चिंता में पड़े। बोले ये ऋषि ये बेटे मांग रहे हैं, अगर मना कर दो तो फिर नाराज हो जाएगी। जैसे दशरथ महाराज के घर में विश्वामित्र गए और राम लक्ष्मण को उन्होंने मांग लिया, राम लक्ष्मण को दे दो, उसी तरह उन्होंने बोला क्या किया जाए। तब उन्होंने बात को टालने के लिए बोले बताओ, बोले देखो आप बेटे को ही पूछ लो जाना चाहता कि नहीं। तब उन्होंने बोले गिरिराज मेरे साथ में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये रहते थे पहले, कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। काशी एकदम मरुभूमि था, वहां पर कोई पेड़ पौधा लता पता नदी झरना कुछ नहीं था। लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन में आप लोग गए होंगे, जो गिरिराज आप देखना राधा कुंड श्याम कुंड है, यमुना वहां पर श्री यमुना स्वयं मानसी गंगा वहां पर प्रवाहित होकर के आई, वहां पर कुसुम सरोवर को देखोगे, मानसी गंगा देखोगे, वहां पर देखोगे गोविंद कुंड देखोगे, वहां पर अप्सरा कुंड नवल कुंड बड़े सुंदर झरना है, बड़े सुंदर गुफा गिरिराज में। इसलिए पुलस्त ऋषि ने देखा अगर ये गिरिराज गोवर्धन को किसी तरह से उठा करके मैं यहाँ से ले जाऊं काशी में, कम से कम साधु लोग बैठ करके उसमें भजन करेंगे और पानी पिएंगे गुफा में भजन करेंगे। लेकिन गिरिराज बोले मैं जा सकता हूँ, लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त? बोले पहला शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा। बोले दूसरी शर्त किया, अगर लेते समय आप बीच में मेरे को उतार कर कहीं अपवित्र हो गए
फिर आप मेरे को छू नहीं सकते। बोले कोई चिंता नहीं, बुलस ऋषि पराक्रम ऋषि तेरी एक एक हाथ में श्री गिरिराज गोवर्धन को पूरा उठा लिया। उठाकर भी जब आ रहे थे कहां पर, वृंदावन में, अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन, जब वहीं पर आए, लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? कहते ये गोवर्धन, इसका नाम क्या है? गोवर्धन मतलब क्या? बोले गो मतलब होता है गाभी, गो हैं गैया, इनकी इंद्रियों को जो वर्धन करने वाले, बात गो मतलब होता है इंद्रियां, बोले किसकी इंद्रियां? बोले कृष्ण की इंद्रियों को जो सेवा करने वाले बढ़ाने वाले हैं, इसलिए ये गिरिराज भगवान की सेवा करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन हैं। वो इसलिए आए कृष्ण की सेवा करने के लिए, लेकिन ऋषि तो ले जा रहे हैं काशी। जब वृंदावन में आए, इतने में गिरिराज जी ठाकुर कृष्ण से प्रार्थना किया, ठाकुर जी मैं तो गिरिराज गोवर्धन, मैं गोलोक वृंदावन से आपकी सेवा करने के लिए आया, देखो ये ऋषि हमें काशी फांसी देने ले जा रहा है। मतलब क्या? जो काशी स्थान है वो ज्ञानियों का स्थान, भक्तों का स्थान नहीं, जो निराकार निर्विशेष ज्योति को उपासना करने वाले, जो ब्रह्म ज्ञानी सबके सब, वहां पर कोई भक्त नहीं। मेरे को पता नहीं कहां काशी फांसी देने ले जाता है, ये जो मुक्ति एक तरह का सुसाइड है। बोले मेरे को ये कहां ले जा रहे हैं? ठाकुर जी आप मेरे चरण में स्थान दे दो। जब उन्होंने इतना प्रार्थना किया, अभी कुलस्थ ऋषि को इतने जोर से लघु संख्या लगी, किसी तरह से रोक नहीं पाए, जो प्रतिज्ञा करके आए थे बीच में उतारूंगा तो मैं उठूंगा नहीं, वो सारे भूल गए और गिरिराज गोवर्धन को वहीं पर रख दिया जहां पर गिरिराज। जब उन्हें लघु संख्या करने के लिए बैठना घंटे तक, हर लघु संख्या खत्म नहीं हो, बोले ये क्या हो गया, लघु संख्या खत्म नहीं हो रही। बड़े देर में जब उठे और उन्होंने अपना संध्या बदना करके गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज और टस से मस नहीं हुए। बोले गिरिराज उठो, बोले आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, अगर बीच में मेरे को उतार दिया, अगर आप अपवित्र हो गए, मैंने बोला था ना नहीं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा यहाँ से, मेरे को हाथ से उतार दिया, घट्टे तक बैठ कर लघु संख्या की आपने, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और हर दिन पल में तू सरसों जैसे तुम क्षीण होते जाओगे। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन इतने विशाल थे, इतने विशाल वर्णन आता है, 64 मील लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में थे ये गिरिराज गोवर्धन। हम कहते हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा, कहते गिरिराज सबसे ऊंचा थे, लेकिन कुलस्थ ऋषि के अभिशाप से ये धीरे 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 नीचे जा रहे हैं, खे होते जा रहे हैं। इसलिए जब ये घोर कलयुग आएगा ना, ये गंगा जो दिख रही वो गंगा में नहीं रहेगी, जो यमुना जो दिख रही ना ये यमुना नदी भी नहीं रहेगी, ये गिरिराज भी धीरे 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 गिरिराज अंतर ध्यान हो जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत भगवान के नाम कथा सुन रहे ना ये सब चीज नहीं रहेगी। आप लोगों पहले देखने होंगे कहीं अगर कथा भागवत कथा हो ना, इतने लोग आते थे, लेकिन अभी स्मार्टफोन आ गया, बच्चे दिन भर स्मार्टफोन में इतने पागल है, स्मार्टफोन के सिवाय कुछ जानते नहीं। अरे ये इंटरनेट आ गए, अरे ये टीवी नहीं, ये साक्षात जो कली है ना, ये सब टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन रूप में ये गुरुदेव कहते कली स्वयं आया है लोगों को भगवान से विमुख करने के लिए। क्योंकि पहले लोगों का समय होता था रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत सुनते थे, जिससे अच्छे अच्छे संस्कार बनता था, भगवान की तरफ भी इनकी मन जाती थी। लेकिन अभी तो कोई स्कूल में भी कोई भगवान की कथा की कोई गंध नहीं, कोई भगवान के नाम कुछ भी नहीं। अभी धीरे धीरे सब बच्चे नास्तिक होते जा रहे हैं, भगवान की भक्ति से ये सब के सब विमुख होते जा रहे हैं। देखो जैसे हम यहाँ रह रहे हैं ना, ध्यान देकर सुना, यहाँ हम रह रहे हैं, पास में एक मस्जिद है, हम सवेरे देखते हैं, दोपहर में देखते हैं कि वहां पर 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चों का अलग आवाज सुनता हूँ। केवल छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जो मुसलमान लोग यहाँ करते हैं आप देख लेना, छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाते हैं, उनको नमाज पढ़वाते हैं, उनको कुरान पढ़ाते हैं। बताओ हमारे हिंदू में कौन व्यक्ति ऐसे जो बच्चों को बोलते थोड़ा गीता पढ़ रामायण, हम रोज रोज हम दिन में 5 बार सुनते हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चों का काला क्या बात है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं
मस्जिद में लेकर के आते, कुरान पढ़ाते हैं उनको, इसलिए उनका धर्म का प्रति ना इतनी निष्ठा है। लेकिन हमारी हिंदू लोगों का अपना गीता भागवत प्रति कोई निष्ठा प्रतिष्ठा नहीं। धीरे धीरे अगर कोई कोई धर्म अगर सबसे नीचे जा रहा है ना, ये हमारे हिंदू धर्म जा रहे हैं। ये हिंदू धर्म धीरे 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 बच्चे नास्तिक होते जा रहे हैं। भगवान भक्ति भक्ति से इनको कोई रुचि नहीं। अगर आप लोग जागृत होना चाहते हैं ना, क्या करो, अपना बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको बोलो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उनको बोलो स्कूल जाने से पहले कम से कम 10 मिनट दो, 10 मिनट देकर क्या करो, उनको बोलो माला जपा दो, बोलो कम से कम एक ठाकुर गान माला जप करके, ये जो हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक उनको माला जप कराया करो। नहीं तो बोलो गीता की एक श्लोक पढ़े और उसका कोई जो व्याख्या, कम से कम एक श्लोक पढ़ करके जाए और एक माला जप करके जाए। हाँ बोलो तो बच्चे बात नहीं सुनते, क्या बोलो, भगवान कल बता रहे थे ना, भगवान राम ने पितृ आदेश को पालन करने के लिए कितना साल तक जंगल में गए थे, बोलो जोर से, अपना बेटे को बोलो तो 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए जाएगा तुम्हारी बेटा, बोले 14 दिन के लिए हनीमून बनाने के लिए जाएगा, अपना गर्ल फ्रेंड के साथ में घूमने जा सकता, लेकिन पिता माता की सेवा के लिए नहीं जाएगी। कारण क्या, क्योंकि हम बच्चों को फिर कोई संस्कार नहीं डालते, उनको बोलते नहीं रामायण पढ़, भागवत पढ़, गीता पढ़, क्योंकि शास्त्र में कहता है पिता माता की सेवा करो, पिता माता के नाम सुनो, पिता माता की आदेश को पालन करो, ये शास्त्र कहता है। हम बच्चों को स्मार्टफोन दे देते, बेटा ले स्मार्टफोन लेगा, उनको कोई भक्ति के संस्कार नहीं डालते। इसीलिए हमारी जो हिंदू धर्म है ना, वो धीरे 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 घटते घटते जा रहा है। देखो किसी भी, अच्छा तरह सुनो, कोई भी मुसलमान को कभी भी अपना धर्म गोबर में अंगुल उठाते हुए कभी देखे हो, बोलो कोई एक मुसलमान, नहीं तो क्रिश्चियन को कभी भी अपना धर्म को ऊपर अंगुल नहीं उठाएगा। लेकिन अंगुल उठाने वाले को ये नाला ही है, हम सारा दुनिया में जाते हैं। तो भगवान भगवान कौन है, भगवान को देखे हो क्या, बोले हिंदू मैंने देखा, कोई एक क्रिश्चियन को देखा दो, एक मुसलमान को देखा दो जो कि अपना धर्म को ऊपर में कोई अंगुल उठाता है, कोई मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। क्योंकि उनको बचपन से संस्कार देते हैं। हमने यही चीज देखा है मस्जिद में, बच्चों का बड़े जोर से आवाज, बच्चों का चिल्लाते बच्चे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए भैया अगर चाहते हो ना, कुछ कुछ लोग तो कश्मीर से उनको भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया वहां से, फिर देखो जम्मू में भी भगा दिया उनको। अगर अभी से सावधान नहीं होगे, हरि नाम नहीं करोगे, गीता रामायण नहीं पढ़ोगे ना, यहाँ भी से भी तुमको एक दिन कहीं, फिर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे तुम लोग। अगर चाहते हो अपना धर्म सचेतन रहे, धर्म जगे, पहले खूब हरिनाम करो, रामायण पढ़ो, और बच्चों को भी रामायण गीता भागवत पढ़ाओ, नहीं तो बच्चों को नहीं सब मर जाओगे सबके सब, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके बच्चों को बोलो एक माला जप कर बेटा, एक माला जप करके कहाँ जाओ, स्कूल जाओ। लेकिन पता बच्चा कब करेगा, जब मैया करेगा तब तक करेगी, मैया दिन भर स्मार्टफोन लेकर मैया खुद बैठी, दिन भर टीवी खोल कर देख रहे, खुद भजन भजन से माँ की पता, तो बच्चा करेगा कहाँ। इसलिए पहले माँ से सबसे संस्कार माँ से पड़ेगा, उसको बाद में बाप से पड़ेगा, हैं। इसलिए पहले माँ को बाप को पहले भजन करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा, तब बच्चे भी हरिनाम करेंगे, ठीक है ना। क्या करना, हरिनाम खुद करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, हाँ भागवत पढ़ो, और भगवान की माला जप करो, एक एक कम से कम सवेरे उठ करके माला जप करो, और बच्चों को भी बोलो बेटा एक माला जप करके केवल 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी, बच्चे को बोला बेटा एक माला जप करके जाओ। आप बोल को बच्चा बात नहीं सुनता है, देखो ध्यान देना सुनो, बच्चा बच्चे को अगर 7 बजे स्कूल जाना, आप बताओ बच्चों को कितना बजे उठाते हो, कम से 6 बजे उठाते हो, नहा धो करके उसका कपड़ा हुपड़ा पहना करके, फिर उसको जाकर गाड़ी में दे करके आते हो। देखना वही बच्चा जब ज्यादा लिखी पढ़ी जाती है, पिता माता को गाली देती है, उल्टा सीधा बोलते, तू गवार क्या जानती हो, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने डॉक्टर किया, तू क्या पढ़ी,
वो गाली देता है ये बच्चा, जब बच्चा कहां पर बिगड़ता है बताओ, घर में बिगड़ता है ना, स्कूल कॉलेज में बिगड़ता है, बोलो आप लोग कहां बिगड़ता है? ये स्कूल कॉलेज में ही बच्चे बिगड़ते हैं, वहीं पर बीड़ी फूंकना सीखते हैं, वहीं पर शराब पीना सीखते हैं, वहीं पर गंदा काम सब स्कूल कॉलेज से सीखते हैं, घर से कोई नहीं सीखता है। घर में तो पिता माता अच्छी सिखा देते हैं। देखो उसको पैसा दे करके मैंने देखा तो कोई कोई बच्चा कॉलेज स्कूल में जाकर इतने बर्बाद हो गया, ये शराब पीकर ड्रग्स ले लेकर के भैया उसको लाख करोड़ रुपया उसको पीछे खर्चा करके बर्बाद कर सकते हो। अगर उसको एक माला उसको जपा करके स्कूल छोड़ोगे ना, वो बच्चा कभी भी बर्बाद नहीं होगा, वो बच्चा कभी भी बर्बाद नहीं होगा, वो धर्म रास्ता में चल जाएगा। ठीक है ना? क्या करो नीरज, इधर आ जाओ। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम करो, खुद भजन करो, बच्चों को भी देखो। ये बच्चे देखो आज इनके घर में कथा क्यों हो रही है, कारण क्या? देखो ये खुद भक्ति करता है, इसकी पत्नी भी भक्ति करती है, इनकी साली सब बच्चे भक्ति करते हैं, इनके सबके सब बच्चे भक्ति करते, तभी तो आज इनके घर में कथा हो रही है। इनको बेटे को देख गला में कंठी माला हरिनाम ये सब कर रहे, भक्ति करते हैं। अगर किसी वंश में एक बेटा भक्ति करे ना, ये भगवान कहते हैं उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। हैं कहते उसको जो पहले पहले पूर्वज जो गए ना, हाथ उठाकर नाचना शुरू कर देते हैं, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं ना, उसका जीवन भी धन्य हो जाती है। जिस वंश में एक बच्चा भजन करे, इतने महिमा है, तभी भजन करते हैं। जो पिता माता भक्ति करते हैं ना, तभी तो बच्चों को ले जाएंगे। देखो इनकी इनकी दो बेटी बैठी है, दो बेटी खड़े हुए, देखिए दोनों बेटी को देखो, ये दोनों बेटी देखो ये कथा में बैठी हुई है, और ये दोनों पढ़ाई कर रहे, उधर घूम जा, देख गले में करती है, तिलक लगाती है, हरिनाम करती है, देखो ये लोग कथा में बैठी, क्यों? उनको पिता माता भजन कर रहे हैं, तभी तो बच्चों को भक्ति मार्ग में उन्होंने चलाया ना। इसलिए पहला संस्कार पिता माता से बढ़ती है, पहले पिता माता भजन करे, उसके बाद में फिर बच्चे भी भजन करेंगे। ठीक है? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए कहते हैं जो गिरिराज जो गोवर्धन है, ये बोलो तो वृंदावन से श्री गिरिराज गोवर्धन आए, एक बार जयकार दो, बोलो श्री गिरिराज बाबा की। जोर से बोलो, जो जितना अभी सुना ना गिरिराज सब इच्छा को पूरी करते हैं, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा आपको, उतना जोर से उतना जय जयकार होने वाले। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी लग रहा है कि चांद आए, इसलिए कहते जो ये गिरिराज गोवर्धन है, ये कोई पहाड़ नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही। अगर ये गिरिराज कभी जाने का आपको सौभाग्य होगा, आप देखना ये गिरिराज की कोई भी एक शिला उठा करके देखना, हर शिला में कहीं ना कहीं ठाकुर जी का चिन्ह, इसमें बाल गोपाल दिखेंगे, इसमें भगवान नरसिंह देव दिखेंगे, इसमें दिखेंगे आनंद देव दिखेंगे, इसमें भगवान राम को दिखोगे। कोई भी आप शिला उठाकर देख लो ना, हर शिला में ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में उनकी चिन्ह देखेगा। जैसे साधारण जो पहाड़ होता है उसका कोई टुकड़ा ले लो, आप हाथ लगाओ वो खसखस लगेगा, लेकिन गिरिराज की कोई भी टुकड़ा आप लोग देखो खसखस नहीं लगेगा। अब लेकर देखो ना, लग गया जैसे कोई तेल से उसने कोई किसने किसने स्नान कराया, इतने मुलायम लगेगा गिरिराज की शिला। आप कोई भी पहाड़ को देखोगे उसका सर ऊंचा देखोगे, लेकिन कभी गिरिराज जो गए देखे जो जाना देखोगे क्या देखोगे, गिरिराज खड़े हुए नहीं देखोगे, जैसे मिट्टी जैसे कीचड़ होने पर जब पिघल जाती है ना, आप गिरिराज को देखोगे जैसे पिघला हुआ रूप देखिए आप। बोले क्यों? बोले भगवान जिनको ऊपर में लीला की है, बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे, भगवान बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने गिरिराज में लीला की, उन्होंने बंसुरी बजाई, इसलिए ठाकुर जी का चरण स्पर्श करके ये गिरिराज स्वयं पिघला हुआ, गिरिराज की ये पिघला हुआ रूप देखोगे। इसलिए गिरिराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज रूप में प्रकट हुए। बोले एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ रात भर छापान भोग बना रही थी, इतने में कृष्ण गए, बोले मैया मैया क्यों रात भर इतने बढ़िया बढ़िया तुम मालपुआ कचौड़ी बना रही हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि है? बोले नहीं,
बोले क्या दाऊ कही आका? बोले नहीं, बोले फिर फिर रात भर ये सब पकवान क्यों बना रहे? बोले पिताजी को पास में जा। अभी कृष्ण पिताजी को गोद में बैठ गए, नंद बाबा का दाढ़ी पकड़ कर बोले बाबा बाबा मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? क्या कल हमारी जन्म तिथि है? बोले नहीं बेटा। बोले फिर आप किसके लिए सब बना रहे हैं? बोले स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए हम बना रहे हैं, ये परिजन है राजा इंद्र के लिए हम बना रहे हैं। लेकिन कृष्ण क्या चाह रहे हैं कि जो गिरिराज जो गोवर्धन की इनकी पूजा प्रारंभ हो, गिरिराज की महिमा इनको पता चले, इसलिए कृष्ण ये पूछ रहे थे। इतने में कृष्ण तरह तरह का उन्होंने युक्ति तर्क दिया। वो जिसकी बच्चा है ना उसको गोद में ले लो, छोटी बच्चा जिसको घूम रही है उसको गोद में ले लो। इसलिए उन्होंने बोले पिताजी की ये बताओ, आप कहते हो इंद्र पूजा करने के लिए क्यों इंद्र पूजा करोगे? बोले हम सबके सब ग्वाल बाल हैं, हमारी जो मूल धन है ये गैया, और इंद्र के अधीन में ये परिजन में जब उपयुक्त समय पर बारिश होता है, घास होता है, गैया घास खाते हैं और दूध देते हैं, और दूध से ही ये राबड़ी मलाई दही सब कुछ दूध से मिलता, हम लोगों को ग्वाला है, ये दूध दही हमारे मूल भोजन है। अभी भी आप ब्रज में जाओगे ना कुछ भी नहीं होगा, रोटी गुड़ को साथ में मट्ठा और दही, नहीं तो दूध बात किसको ही पी लेते हैं, और वो प्योर चीज है कुछ भी नहीं हो इससे इनकी सब काम चली जाती है। इसलिए बोले यही हमारी मूल धन है बेटा, इसी से ही हम जीविका निर्वाह करते हैं। कृष्ण तरह तरह का युक्ति तर्क दिए। बोले पिताजी ये बताओ, आप कहते हो ये इंद्र बारी बरसाता। बोले हाँ। बोले ये बताओ ये जंगल क्या इंद्र को पूजा करता है ना, ये समुद्र ये इंद्र पूजा करता है, फिर वहां बारिश क्यों होता है? नंद बाबा तो चुप हो गए, बोले कैसे प्रश्न करता है? बोले पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये ब्रज का प्रकट देवता ये गिरिराज गोवर्धन है। यहाँ पर जो हरी भरी दिख रहे हो है, कहते मेघ को हरी भरी जो कई स्थान हो वो मेघ को आकर्षण करता है, और ये मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में, और यहाँ पर बारिश होता है, और हमारी जो प्रत्यक्ष देवता जहाँ गैया घास ये गिरिराज से खाते हैं, यहाँ से पानी गिरिराज से पीते हैं। इसलिए पिताजी हम लोग ब्रजवासी, हम लोग गिरिराज, हमारी प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज गोवर्धन, और ये ब्राह्मण और गैया, इसलिए ये ब्राह्मण गैया की पूजा करो, ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बोले बाबा ये जो पहाड़ देख रहे हो पहाड़ नहीं, ये ठाकुर जी स्वयं ये गिरिराज रूप में आए, इसलिए ब्रज का जो प्रत्यक्ष देवता ये गिरिराज है। बोले बाबा ये बताओ कितना दिन से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब होश आया। बोले जब आप इंद्र को भोग लगाते हो आपने देखा कि नहीं इंद्र भोग आरंभ रहा है? बोले नहीं। बोले बाबा जब ये गिरिराज की पूजा करोगे ना, ये गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के दर्शन लेंगे, और जो कुछ आप इनसे मांगोगे गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी करेगा, और जो कुछ उनको दोगे ठाकुर जी सब कुछ इन्होंने ग्रहण करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से गिरिराज के दर्शन होगा? बोले हाँ पिताजी इन्हीं आंखों से आपको दर्शन मिलेगा। बोले भैया फिर तो हम गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे, जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, कल इंद्र पूजा नहीं, कल हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। हे ब्रजवासी जब सुने इन्हीं आंखों से साक्षात देवता दर्शन करेंगे। अगर आपको कोई जम्मू से बोले अमुक जगह पर कोई देवता प्रकट होगा इन्हीं आंखों से देखोगे, क्या होगा? बोलो पूरा जम्मू के लोग वहां पर भागेंगे, इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन साक्षात रूप में मिलेगी। जितने ब्रजवासी थे ना वो जितना जितना बना रहे थे डबल डबल कर बनाए, और चार तरह का तो चावल बनवाए। बोले एक मिट्टी चावल, एक फीकी चावल, एक नमकीन चावल, एक मटर पनीर डालकर के चावल, चार तरह का चावल, और दाल भी पांच करके बनवाई दाल, मूंग की दाल, अरड़ की दाल, उड़द की दाल, और छोले की दाल, मटर की दाल, और कितने तरह का तो दाल बाटी चूरमा बनाए हैं। कहते चूरमा तो दो तरह के बनाए, एक रोना एक हंसना, कढ़ी भी दो तरह के बनाए, एक राण कढ़ी एक सुहागिनी कढ़ी। बोले सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते हो, और बिना पकौड़ा के बगैर पकौड़े में जो बनता है,
इतना सामान लाए जिसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्न मतलब अन्नकूट मतलब होता है पर्वत, और दमाल भी वहां पर बनाए, कड़म भी बनाया गया वहां पर, हैं? कड़म भी बनाए, दमाल भी वहां पर बनाए गए, बढ़िया बढ़िया चीज है। हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बनाए, इतने चीज लाए वहां पर, हैं? कहते रोटी की पर्वत बन गया, समोसा की पर्वत, कचौड़ी की पर्वत, ये सब के सब पर्वत आकार में, जितने तरह का ड्राई फ्रूट, जितना का तल का फल, ब्रज में 365 गांव अभी भी 365 गांव आपको मिलेगा। सबके सब लोग इतने लाए, पूरा दिन राज गोवर्धन भर गया खाने में। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत द्वारा उन्होंने से गिरिराज की अभिषेक किया। गिरिराज भैया सारे प्रसाद कहाँ है? अरे ले आओ सब प्रसाद, भैया सबके सब प्रसाद ले आओ, ये सबके सब ला करके यहाँ पर रखो, थोड़ा पीछे हट जाओ, सारे प्रसाद ले आओ, थोड़े पीछे हट जाओ। इसलिए सारे चीज को वहां पर कृष्ण स्वयं पंचामृत से उन्होंने पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ करके उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने अभिषेक अपना हाथों में की, और वहां पर जितने तरह का सामान लाए थे सब में तुलसी पत्ता दे करके कृष्ण स्वयं इदम आसनम श्री गिरिराजाय नमो बोल करके इदम पुष्पांजलि श्री गिरिराजाय नमो करके उनके चरण में पुष्पांजलि दिए और उनका हाथ बुलाए, बोले हे गिरिराज गोवर्धन इदम सहृद नैवेद्य उपकरणम श्री गिरिराजाय स्वाहा। बोल करके जब गिरिराज को उन्हें भोग लगाए, सचमुच से जो गिरिराज गोवर्धन उन्होंने एकदम विशाल रूप धारण करते हुए प्रकट हुए, बोले गिरिराज महाराज की जय। और सबके सब ब्रजवासी देख रहे थे, और से गिरिराज गोवर्धन हाथ बढ़ा बढ़ा करके सबके सब खा रहे थे, हैं? और मिनट में सब कुछ खा लिए, बोले भैया आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले भैया हम गरीब ब्रजवासी, आप इसमें ही आप संतुष्ट हो जाओ। फिर गिरिराज को पानी तांबूल दिया और गिरिराज ही संतुष्ट हो गए, और सबको उन्होंने आशीर्वाद बरदान दिया, बोले आज का दिन जो व्यक्ति मेरे सेवा के लिए एक अन्न का दाना भोग लगाया मैं उनको बरदान देता हूँ, किसी जीवन में कभी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ी। ये गिरिराज से मुंह से निकली हुई। सब ब्रजवासियों ने, कृष्ण ने कहा भैया चलो चकाचक भोजन करो, भोजन करते हुए चलो हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा लगाए। देखो विश्व ब्रह्मांड कृष्ण की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन कृष्ण ने किसको परिक्रमा लगाया? गिरिराज, ये गिरिराज को परिक्रमा लगाई। इसलिए कृष्ण सबसे पहले कौन चल रहे थे? जितने ब्राह्मण सत्य लोग, उसको पीछे कौन चल रहे थे? जितने गैया बछड़े सबके सब गैया बछड़े भी परिक्रमा लगाए, उसको पीछे जितने गोप लोग, और सबसे पीछे गोपियां, और सबसे पीछे श्री राधा रानी परिक्रमा लगा रही थी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा करते करते जब थोड़ी दूर गए ना, बोले गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, गोवर्धन तुम्हारी जय जय हो, आय जय जय हो तुम्हारी जय जय हो, जय 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 हो तुम्हारी जय जय हो, गिरिराज तुम्हारी जय जय हो,
अभी सब ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं। अभी परिक्रमा करते करते वो थोड़ी दूर गए ना, अभी राधा रानी सोच रही है अगर सचमुच से कृष्ण अगर मेरे प्रियतम होएंगे, मैं एक बार कृष्ण को दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण तो बीच में और राधा रानी से सबसे पीछे। अभी राधा जी की मन का भाव तो कृष्ण समझ लेते हैं और कृष्ण का मन को राधा रानी समझ लेती है। अभी कृष्ण समझ गए राधा रानी की इच्छा हो रही है मेरे को दर्शन करने की, बोले कैसे दर्शन देगी। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना जो गैया चराने का जो लकुट थी ना, वो लकुट को उन्होंने ऊपर कर फेंक करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, इतने में राधा रानी की दो आंख और कृष्ण की दो आंख मिलकर के एक हो गया और कृष्ण का जो लकुट थी उसमें हीरे मुक्ता में जड़ा हुआ था। जब कृष्ण ऊपर की, कृष्ण का जो परछाई ना, वो हीरे मुक्ता जो था उसमें परछाई में प्रतिबिंब हुआ और राधा रानी कृष्ण क्या की, कृष्ण को दर्शन कर लेती। राधा रानी खुश हो गई। फिर थोड़ी दूर परिक्रमा करते करते गए, फिर राधा रानी सोच रही है अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होंगे, मेरी को थोड़ी कृष्ण स्पर्श भी करेंगे। कृष्ण सोचा कैसे स्पर्श करे। कृष्ण ने एक बछड़े का मुंह एकदम पीछे करके उन्होंने पूछ को एंड दिया, वो एंड पे ही वो बछड़ा फुदकते हुए पीछे पहुंच गया और कृष्ण उसकी बहाना बना करके पीछे पहुंचे और राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर दिया। राधा रानी खुश हो गई, प्रेम में राधा रानी गदगद हो गई। ऐसे ही गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। देखो हम भी यहाँ आज परिक्रमा करेंगे, लेकिन परिक्रमा कैसे करोगे, बोलो। परिक्रमा दो तरह से, कितने तरह से परिक्रमा, अरे बोलो जोर से। कथा सुन रहे कि नहीं, सब सब प्रसाद देख रहे हो, प्रसाद मिलेगा चिंता नहीं। इसलिए परिक्रमा दो तरह से, एक मानसिक परिक्रमा और एक होता है ऊपर से परिक्रमा, डायरेक्ट परिक्रमा। परिक्रमा दो तरह से, लेकिन भगवान इतने दयालु इतने कृपालु, अगर यहाँ मन मन में भी परिक्रमा करोगे ना, परिक्रमा का फल मिलेगा। देखो भक्ति में यही विशेष चीज है, ये मानसिक रूप में भी ठाकुर को परिक्रमा करो, आपका फल मिलेगा। छोटी सी कथा सुन लो, ध्यान देकर के, बाद में मैं पूछूंगा क्या सुना, मन लगा सुना। देखो ठाकुर जी के मन मन में भी भोग लगाओ, मन मन में भी खिलाओ, परिक्रमा कर दो, ठाकुर जी स्वीकार कैसे करते, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन मन में बड़ी भावना ठाकुर की सेवा करने का, रोज सत्संग सुने। एक दिन सत्संग में उन्होंने सुना ठाकुर जी कहते हैं, हे नारद जी, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कहते नारद जी, अगर कोई व्यक्ति मेरे को मानसिक रूप में भी मेरे को सेवा करे तो मैं सेवा को स्वीकार करता हूँ। खुश हो गया। बोले मैं तो सोच रहा था मेरे पास में कुछ नहीं, नहीं ठाकुर जी के जरूरत नहीं, गिरिराज जैसे खाते हैं खुला खाते हैं। इसलिए कहते ठाकुर जी कहते कोई अगर मेरे को मानस के रूप में भी अगर मेरे को कोई भोग लगाए तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। वो खुश हो गया ब्राह्मण। अभी वो क्या करता है, सवेरे नहा धो करके ठाकुर जी को सामने बैठ जाएगा और मन मन में ठाकुर जी को सेवा करेगा। ऐसे सेवा करते 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 एक दिन इसका मन इतने आविष्ट हो गया सेवा में, सोचा आज मैं मानस के रूप में एक सुंदर मंदिर बनाएगा। उन्होंने मन मन में सुंदर उन्होंने आलिशान मकान बनाए, तो उन्होंने रत्न की सिंहासन बनाए और लक्ष्मी नारायण को स्थापन किया। बोले आज ठाकुर जी को गंगा पानी ला करके, कैसे सोने की कलश में गंगा पानी लाऊंगा और ठाकुर जी को पंचामृत से दूध दही सहेज से ठाकुर को मैं अभी कुछ नहीं। वो मन मन में बैठ करके ठाकुर जी को अभिषेक कर रहे हैं, बड़े सुंदर अभिषेक कर दिया। बोले आज ठाकुर को एकदम सुंदर है वेलवेट कपड़े में, बड़े सुंदर सोने की जड़े हुए कपड़े को ठाकुर को पहनाऊंगा।
पहनाया, सुंदर तिलक लगाया, ठाकुर को माला पहनाया, बोले आज ठाकुर को मैं खीर भोग लगाऊंगा। एकदम गैया की दूध से घी डाल करके मिश्री काजू किशमिश डाल करके खीर बनाए, बोले ठाकुर को सोने की कटोरी में भोग लगाऊंगा। अभी उन्होंने सोने की कटोरी में खीर को डाले, जब खीर को डाले देखो ध्यान देकर सुनो नियम है, जैसे एकदम उतारा खीर गर्म गर्मी और ठाकुर को रख दिया, नहीं ऐसे भोग नहीं लगानी चाहिए, भोग लगानी चाहिए आत्मगत। हम जैसे एकदम गर्मी चीज को एकदम हटा चूल्हे से निकाल कर खा नहीं सकते हो, ठाकुर भी ऐसे नहीं खा सकते हैं, इसलिए गर्मी ठाकुर जी को पतला कपड़ा पहननी चाहिए और ठाकुर जी को ठंडी के समय में मोटा कपड़ा पहननी चाहिए। जैसे ठंडी का समय में क्या होता है, पानी गर्म होता है, ठाकुर जी को ठंडी पानी में नहीं नहाना चाहिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी गर्म पानी मिला करके नहाते हैं, इसलिए ठाकुर को अपना जैसे वैसे ही ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए। एकदम गर्मी खीर उतरा, उसने देखा ये गर्मी ना ठंडा है, उसने अंगुल को डाला तो एकदम चूल्हे से निकला था, इतनी गर्मी था एकदम उसका हाथ में फोफड़ा पड़ गया, लेकिन वहां कुछ नहीं, लेकिन वो मानसिक रूप में सब कुछ कर रहा है। इतने में उसकी अंगुल एकदम जल गई, उसको जो ध्यान टूट गया, ध्यान टूट कर देगा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके अंगुल में फोफड़ा पड़ा हुआ है, अभी बैठ बैठ करके रो रहा है, ठाकुर जी को आज मैंने खाना नहीं खिला पाए क्योंकि गर्मी खीर था और उसमें अंगुल डालते ही अंगुल फोफड़ा पड़ गया, मतलब खीर हो गया अपवित्र, आज ठाकुर का हमने भोग नहीं लगा पाए, बैठ बैठ करके ब्राह्मण रो रहा था। देखो इधर क्या होता है, बैकुंठ में नारायण बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं, माँ लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण की सेवा कर रही थी, मैया लक्ष्मी ने पूछा प्रभु आप क्यों मन मन में मुस्कुरा रहे हो, तब ठाकुर जी सब कुछ बताए, बोले ये मध्य जगत में मेरे ऐसे एक भक्त हैं, एकदम गरीबी खीर भोग लगा रहा था तो उसका हाथ खोखला पड़ गया, वो दुखी होकर के बैठा हुआ रो रहा है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए। बोले ठाकुर जी ऐसे रसिक भक्त आपकी मध्य जगत में, बोला हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी बोले प्रभु ऐसे भक्त तो मेरे को भी दर्शन कराओ, नारायण गरुड़ को पीठ में बैठा करके लक्ष्मी को लाए, बोले देख ये भक्त बैठे करके रो रहा है। इतने में ठाकुर जी वो भक्त को भी गरुड़ के ऊपर बैठा है और सीधा वैकुंठ ले गई। देखो ठाकुर कितने दयालु, अगर मानसिक रूप में भी आप ठाकुर जी को सेवा कर दिया ना, ठाकुर उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, इतने ठाकुर जी दयालु। इसलिए आज हम लोग गिरिराज जी परिक्रमा करेंगे लेकिन मानसिक रूप में, यहाँ पर आंख बंद कर लो, मैं जहां जहां बोलूंगा ना परिक्रमा शुरू करेंगे। अब लोग कौन कौन गिरिराज में गए हाथ उठा, तो कौन कौन गिरिराज गए, गिरिराज गए अक्सर करके जो परिक्रमा ये दान घाटी से उठाते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण ब्रज गोपियों से दूध दही के दान लेते थे, आज हम लोग यहीं से परिक्रमा करेंगे, ठीक है। आप लोग दान घाटी में प्रणाम करो, ठाकुर जी हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं, अगर कोई अपराध होगा तो माफ कर दो। श्री दान घाटी की थोड़ी सी जब आगे जाओगे ना, एक एक कुंडल है जिसका नाम दान निवर्तन कुंडल, मतलब यहाँ पर तो कृष्ण ब्रज गोपियों से दान लिया था लेकिन वहां पर ब्रज गोपियां कृष्ण से उल्टा दान लिया, इसलिए उस स्थान का नाम है दान निवर्तन कुंडल, वहां प्रणाम करो मानस के रूप में। बोले श्री दान निवर्तन कुंड की, लेकिन और आगे बढ़ोगे जिसका नाम है आनोर ग्राम, आनोर ग्राम नाम क्यों पड़ा, वहीं पर कृष्ण ने ये 56 भोग 36 व्यंजन गिरिराज को लगाया और वहीं पर जब भोग लगाए भगवान मिनट में सब कुछ खा करके बोले भैया और ले आओ आनोर ले आओ, इसलिए वो आनोर ग्राम वहां प्रणाम करो। बोले श्री आनोर ग्राम की, और थोड़ी दूर चलो वहां पर संकर्षण कुंड, संकर्षण कुंड मतलब जब भगवान कृष्ण राधा कुंड में गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे, कहते ना आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, Thank you.
लेकिन संकटुर नाम का दैत्य ने आक्रमण किया, क्यों गोपियां बड़ी सुंदरी थी, उनको तो हाँ करके ले जाया। इतने में कृष्ण बलदेव प्रभु बोले तू देख अभी मैं इसको देखता हूँ। वो संकर्षण उसको जो शंखचूड़ दैत्य को जहां पर ठाकुर ने मार करके उसको समंतक मणि को ठाकुर जी ले करके उन्होंने राधा रानी को प्रदान किया था, इसलिए वहां पर एक संकर्षण कुंड है जो बलदेव प्रभु का नाम में प्रसिद्ध, वहां पर भी आचमन लो। बोले संकर्षण कुंड की थोड़ी सी आगे चलो तो गोविंद कुंड, गोविंद कुंड मतलब जिस समय इंद्र को पता चला वो तो पहले सोच रहा था कोई साधारण बालक होगा, लेकिन जब कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया 7 दिन तक और उन्होंने इंद्र ने 7 दिन तक बारिश किया, जब पता चला ये मेरे प्रभु इन्होंने ही कृपा करके हमें इंद्र पद दिया था, उन्होंने ये गोविंद कुंड का पानी से ठाकुर जी की अभिषेक किया थे, इसलिए वो चरणामृत कुंड है और आचमन लेने से ठाकुर जी चरणामृत के आचमन होता है। बोले श्री गोविंद कुंड की, और थोड़ी जाओगे उसका नाम है कुछ भी लौटा, मतलब जैसे आप परिक्रमा किया ना उसके बाद में घूम करके आना पड़ता है, इसलिए गिरिराज का पूछ बताया जाता है, वही गिरिराज की रूपी पूछ है, वहां पर अप्सरा कुंड और नबल कुंड दो कुंड वहां विद्यमान, वहां पर आप लोग आचमन लो। बोले सिर्फ अप्सरा कुंड नबल कुंड की, और वहीं पर भगवान ने भाषण विरास भी किया, वहीं पर सुरभि कुंड, जब सुरभि गावी के अन्य गत्ते में उन्होंने ठाकुर जी के चरण में माफी मांगी, वहां पर अगर कोई आचमन लेता है ना अब वो सारे अपराध दूर हो जाता है। बोले श्री सुरभि कुंड की, वहां पर एक गांव का नाम है जतिपुरा, जति मतलब होता है सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु का गुरु जी का नाम था माधवेंद्रपुरी, वहीं बैठ कर भजन करते थे, वो अजाच का वृत्ति था, ठाकुर जी स्वयं जिनको दूध पिलाया था है, ठाकुर जी दूध पिलाए, बोले मैं जंगल में पड़ा हुआ वहां से निकालो, इसलिए जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था। बोले श्री जतिपुरा की, आगे चलोगे आएगा उद्धव कुंड, जहां पर उद्धव जी घास बन करके राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए गिरिराज की तलेट में निवास करते हैं। बोले श्री उद्धव कुंड की, आगे चलो राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, ये राधा रानी कृष्ण स्वयं ये कुंड रूप में प्रकट होगी, इतनी महिमा उसकी, जो राधा कुंड श्याम कुंड में आचमन करते हैं, जो स्नान करते हैं ना पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाने का बल मिलता है, इतनी महिमा पृथ्वी का सारे तीर्थ है। देखो पहले राधा कुंड में गोता लगानी चाहिए, कान में अंगुल डाल दो नहीं तो कान में पानी चल जाएगी, इसलिए कान में अंगुल डाल करके 3 बार डुबकी लगा। बोले श्री राधा कुंड की, फिर वहां से निकलो, फिर कृष्ण कुंड में फिर स्नान करो, फिर कृष्ण कुंड में भी 3 बार गोता लगाओ, फिर नियम है फिर राधा कुंड में स्नान करनी चाहिए, क्यों यद्यपि हम राधा कृष्ण दोनों को भक्ति करते हैं लेकिन करने पर भी हम लोग श्री राधा जी की अनुगत नहीं भक्ति करते हैं, क्योंकि राधा जी के बगैर कृष्ण कभी जीव को मिलते नहीं। बोले राधा कुंड श्याम कुंड की, आगे चलो आएगा कुसुम सरोवर, जहाँ पर राधा रानी बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके माला बना करके कृष्ण को गले में पहनाया करती थी। बोले श्री कुसुम सरोवर की, आगे चलो आएगा नारद कुंड, जहाँ पर नारद भी राधा जी की कृपा पाने के लिए कुंड बन करके गिरिराज की तलहट में जहाँ पर भजन करते हैं। बोले श्री नारद कुंड की, आगे चलो रत्न वेदी, जहाँ पर राधा रानी को कृष्ण बैठा करके कृष्ण स्वयं जिनकी अभिषेक की थी, रत्न वेदी के ऊपर में श्याम कलैया, जहाँ पर कृष्ण का चरण चिन्ह, गैया की खूर का चिन्ह, अभी भी कटोरी जिसमें भगवान सखाओं के साथ भोजन करते थे, अभी भी ये सब सब चीज है। बोले श्री रत्न वेदी की, श्याम कलैया की, ग्वाल पोखर की, आगे चलो आएगा मानसी गंगा, जहाँ पर कभी ब्रजवासियों की इच्छा हुई हम भी गंगा स्नान के लिए जाएंगे। कृष्ण बोले देखो कितने भोले वाले, देखो इनको पता नहीं ये ब्रजवासियों को महिमा कितनी, कितना कीर्त सुता के पग पग में प्रयाग, जहाँ के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानकर नहीं है कि हम सिर्फ वृंदावन वासी है। इसलिए राधा रानी की
जो कृपा प्राप्त कर लिया ब्रज में, यदि ये लोग कहते गंगा जाएंगे, अरे कोटी कोटी गंगा तो यहीं पर, इतने में कृष्ण बोले चलो मैं तुमको गंगा स्नान कराऊंगा, वहीं पर उन्होंने मन मन में गंगा का स्मरण किया तो साक्षात मानस बोले मानसी गंगा की मां सबके सब स्नान करो। नियम है जब परिक्रमा पूर्ण हो गया तुम्हारी, लेकिन वहां पर एक ठाकुर हरिदेव है जहां पर कृष्ण खड़े होकर गिरिजा धारण किया, नियम है लास्ट में उनको दर्शन करने चाहिए, क्यों वही साथी देते हैं तुमने पूरी गिरिराज परिक्रमा की, इसलिए नियम लास्ट में उनको दर्शन करनी चाहिए। बस ये हरिदेव की, अगर परिक्रमा करते करते कोई अपराध हो गया तो वही गिरिराज के स्वरूप है, माफी मांग लो और उनके चरण में भक्ति प्रेम और उनके चरण की सेवा को प्रार्थना करो। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। प्रभु जी भजन सुना लो, प्रभु जी अभी गिरिराज जी भजन सुनाएंगे। देखो कल है भागवत का विश्राम का दिन है, कल भागवत विश्राम मतलब भागवत का भी समाप्त नहीं होता है, कल भागवत की विश्राम का दिन है, कल भगवान रास करेंगे, रुक्मिणी की शादी होगी, और जो कल है ना सुदामा जी कथा, और कल सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था बढ़िया एकदम चकाचक, गोल गप्पे टिकिया और बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा, इसलिए सब भक्तों को। और देखो कल की जो कथा है ना, जिन लोगों ने पूरी कथा नहीं सुन पाए, आधा आए बीच में आए, लेकिन कल की कथा जो सुन ले उसको सात दिन कथा सुनने का फल मिलेगा, इसलिए कल सबके सब जल्दी जल्दी आ जाना, और कल की कथा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कल की कथा है। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु जी गिरिराज की भजन गा लो, आप लोग सब गिरिराज जी थोड़ा सा प्रसाद लेकर मैं तेरे को